हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम टू एसपुक माय नेम इज तिवारी एंड होप यू आर डिंग वेल यस गाइस सो सभी का स्वागत सभी का अभिनंदन आज के सेशन में और सुबह के बच्चों के नौ और जैसा कि मालूम है गाइस कि 9 ए एम पर हम लोग डेली कवर करते हैं सॉरी हाँ 9 ए पर एवरी संडे को हम लोग कवर करते हैं मैराथन सेशन और आज के इस स्पेशल संडे में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है आपका याद रखेगा डबल आई ए टी सी में आपके फाइव नंबर पक्के यानी कि प्रयास ये करेंगे कि जो आपका टेन मार्क्स का डबल ए आई का जीके का पार्ट है उसमें आप एटलीस्ट कम से कम अपने फाइव मार्क्स सिक्योर कर सकें दोस्तों ठीक है So, चलिए शुरुआत करते हैं जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं मुझे एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा कि दैट ऑडियो एंड वीडियो बहुत हर क्लियर आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे देख पा रहे रहे हैं हैं देख इज फाइन ठीक है fine, उसके बाद आगाज करते हैं हम लोग इस सेशन का तो दोस्तों ये जो सेशन है आपका डेली होता है लगातार होता है मंडे टू फ्राइडे रहता है आपका वन पी पर है ना और सैटरडे रहता है आपका इलेवन ए पर और संडे रहता है दोस्तों याद रखिएगा कितने पर आपका ये मॉर्निंग नाइन ए पर दोस्तों ठीक है तो ये शेड्यूल है जितने लोगों को ये शेड्यूल मालूम नहीं है तो इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करते रहिए दोस्तों ठीक है ये अपने आप में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ठीक है तो इसको आपने लगातार और रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है दोस्तों ठीक है सो चलिए शुरुआत की जाए और स्टार्ट किया जाए हम लोग आज के सेशन को और आगाज करते हैं बाकी जितने भी लोग जुड़ते रहे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले जाइएगा बाकी इसकी जो पी है दोस्तों वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखना है एट द रेट टेक्स्ट बुक तो जितने लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है सब लोग इसको ज्वाइन जरूर करिएगा ठीक है पीडीएफ मिलती रहेंगी क्विजिस मिलते रहेंगे डिस्कशन डाउट सॉल्विंग डायरेक्ट इंटरेक्शन होता रहेगा पोल्स हो वगैरह ये सारी फैसिलिटी आपकी लगातार यहाँ पर रहेंगी और ओनली एंड ओनली दैट इज अ टेलीग्राम ग्रुप से टेक्स बुक ठीक है और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस समय चल रही है दोस्तों सफलता की उड़ान सेल और सफलता की उड़ान सेल में अगर आपको लगता है अभी तक लगता था कि जो प्राइस है वो हाई है है ना और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाए उसके बाद आप टेक्सट बुक के कोर्सेज को एनरोल करें दोस्तों तो दोस्तों इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 15 से लेकर के 16 जनवरी यानी कि दो दिन याद रखिएगा सिलेक्शन की उड़ान एक आपके लिए ऑफर आया हुआ है टेक्स बुक का जिसमें अप टू 90 परसेंट का दोस्तों डिस्काउंट है है ना 33 परसेंट की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है और जो दस हजार का कोर्स था वो मिल रहा है मात्र तीन हजार एक सौ उन्नीस रुपए में और इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए दैट इज अस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है तो इस डिस्काउंट इस डिस्काउंट कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और एट मंथ का कोर्स इनरोल कर लीजिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस में दोस्तों ठीक है सो ग्रेप दिस अपॉर्चुनिटी ठीक है और बाकी चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन का सबसे पहला सवाल कौन सा है हाँ एक और चीज यहां पे मैं बता दूं दोस्तों कि आप मंडे टू फ्राइडे मेरे मास्टर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी संडे को हम लोग जो मास्टर क्लास कंडक्ट करते हैं वो उसका टाइमिंग है याद रखिएगा 11:30 थर्टी एम का और जो आप सैटरडे को मास्टर क्लास होती है उसका टाइमिंग रहता है दोस्तों याद रखेगा दट इज अः वन थर्टी पी का दोस्तों ठीक है तो ये रहती है आपकी सैटरडे की और बाकी ये रहती है संडे की तो संडे और सैटरडे टाइमिंग वेरी करती है अदरवाइज मैं बात करने जाऊं तो जो रेगुलर डेज में उसकी टाइमिंग आपकी फिक्स है कि वो जो आपका रहेगा रेगुलर कितने टाइम पे रहेगा वो रहेगा रेगुलर आपका थ्री एपीएम uh, पे ठीक है चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज के सेशन को और ये रहा सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन ट्राई एंड गिव द करेक्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलढ़ाना जिले में बनी थी बुल्ढाना आई होप कि आप सभी जानते हैं कि दैट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र तो ये दोस्तों कहाँ का पार्ट है महाराष्ट्र का पार्ट है और ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है इसमें से सही आंसर क्या होगा तो पार्ले जी सुबह सुबह आ चुके हैं है ना और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन यस सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है लोनार लेक इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है यस वेरी गुड मॉर्निंग राहुल खन्ना वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों तो लोनार लेक का माना जाता है दोस्तों कि इसका जो निर्माण है किसी उल्कापात पात की गिरनी की वजह से हुआ है है ना और इसको हम लोग एक नाम देते हैं दैट इज अ क्रेटर लेक याद रखिएगा ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है इसको नाम क्या दिया जाता है दैट इज नोन एज द क्रेटर लेक दोस्तों ठीक है क्रेटर लेक तो इसका ज्यादातर अगर आप देखोगे ना वाटर तो अल्कलाइन और सलाइन आपको मिल जाएगा दोस्तों ठीक है अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ ओ सो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ठीक है कोऑपरेशन याद रखिएगा डेवलपमेंट तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से कहां पर लोकेटेड है रोम में पेरिस में न्यूयॉर्क में या जेनेवा में सो so, इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे दोस्तों देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन है एक है ओपेक एंड दूसरा है याद रखिएगा यूनेस्को और इन दोनों का हेडक्वार्टर सेम लोकेशन पर है दैट इज लोकेटेड एट पेरिस फ्रांस ठीक है तो याद रखिएगा इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिल जाएगा पेरिस फ्रांस में मिल जाएगा दोस्तों ठीक है तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है अगर हम लोग फाओ की बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो उसका हेडक्वार्टर मिलता है आपको कहां पर रोम में ठीक है न्यूयॉर्क में बात करते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए तो ये है यूएन वाला पार्ट जिनेवा की बात करते हो तो आपको डब्ल्यू एच ओ पढ़ना होता है डब्ल्यू टी ओ पढ़ना होता है डब्ल्यू एम ओ पढ़ना होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ना होता है विपो पढ़ना होता है ठीक है आईकन के बारे में बात करते हैं और आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर अगर इसमें से आप बात करोगे ठीक है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछी गई तो आप फोर को टिक करोगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है जावा है कोबोल है फोट्रॉन है सॉरी uh, फोट्रॉन है विच ऑप्शन इज राइट तो इसका हाँ बिल्कुल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और फूड एफ ए का बिल्कुल ठीक है तो इन दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं रोम इटली में ठीक है रोम इटली में चलिए सो so, ये जो लैंग्वेज है ठीक है इसमें काफी इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखेगा इसमें जो करेक्ट आंसर है दे 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 जावा ठीक है सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो आप थ्री ऑप्शन पे जाएंगे तो जब हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ठीक है तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जब हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें से आप जो सही आंसर टिक करेंगे वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है जावा इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी ईयर हैज जवाहरलाल नेहरू हॉइस्टेड द नेशनल फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट सो दोस्तों ये पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कितने साल जवाहरलाल नेहरू जी ने कितने साल आ, लाल किले से झंडा फहराया था अब महत्व इनको जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करने जाएं तो जे एल जो नेहरू है वो आपके लॉन्गेस्ट पीएम रहे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इनका जो कार्यकाल है सबसे लंबे समय तक रहा है है ना और 1951 से अगर आप इनको देखने जाएं तो कहां तक हम लोग देखते हैं नाइनटीन टाइम पीरियड क्या रहता है कहां तक जाता है इनका टाइम पीरियड तो इनका जो टाइम पीरियड जाता है वो कहां तक जाता है ठीक है ये देखना पड़ेगा पहले आपने तो इसमें से किस ऑप्शन पर चले जाएंगे बिल्कुल 1947 आप कह सकते हैं मतलब जब से इंटरम सरकार बनाई गई थी लेकिन इंटरम सरकार से बेहतर है कि हम लोग आ, आ, जो प्रॉपर जो हमारी सरकार का गठन होता है तब से लेकर के तब तक देखे हम लोग ठीक है हाँ तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें से हम लोग जो सही आंसर देखने जाएंगे दैट इज ऑप्शन यस दैट दैट इज 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 द द राइट राइट आंसर आंसर ठीक ठीक है है हाँ तो लेना है तो फिर वहीं से ले लीजिएगा बिल्कुल यस yes. 1947 से लेकर के 1964 तक हम लोग ले सकते हैं ठीक है बिल्कुल सो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन हाँ थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लोकेटेड तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है कोलकाता प्रयागराज मुंबई या न्यू दिल्ली सो so, विच वन इज राइट right? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय आपको कहाँ पर मिलेगा अगर विजिट करना है तो निम्नलिखित में से किस सिटी में तो ये मिल जाएगा दोस्तों न्यू डेली में ऑप्शन फोर इज राइट अगला सवाल है द नियरेस्ट स्पायरल गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे सबसे पहले तो याद रखेगा ये हमारी गैलेक्सी का नाम है ठीक है अवर गैलेक्सी दैट इज अ मिल्की वे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आकाश गंगा कई बार इसका पूछा जाता है कि सेप कैसा है दोस्तों तो इसका सेप जरूर याद रखेगा ठीक है इसके सेप के बारे में बात होती है कि इसका आकार कैसा है दैट इज अ स्पायरल यानी कि सर्पिलाकार है लगभग ठीक है जब गैलेक्सी की बात करते हैं और हमारी गैलेक्सी में एट प्लानिट है तो हमारी जो नेहवर गैलेक्सी है याद रखेगा उस नहबर गैलेक्सी का नाम है दैट इज अ एंड्रोमेडा ठीक है सो so इसमें से जो आप सही ऑप्शन टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है गुजरात है पंजाब है राजस्थान है हरियाणा है ठीक है सो so इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज राइट सो so, दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे याद रखेगा दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है पाकिस्तान की बॉर्डर की अगर हम लोग बात करने जाए तो पाकिस्तान को जो है कितने राज्य टच करते हैं दोस्तों तो ये है आपका पाकिस्तान यहां पर पड़ता है पाकिस्तान आपका ठीक है ये सो so, दोस्तों पाकिस्तान की अगर आप बात करोगे तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें से आपका गुजरात है गुजरात के बाद राजस्थान है राजस्थान के बाद आप बात करोगे पंजाब है पंजाब के बाद ये तीन स्टेट हैं याद रखिएगा थ्री स्टेट्स और लास्ट में कितने हैं दो यूटी हैं शायद है ना दो यूटीज हैं दो यूटीज में एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक कौन सा हो गया लद्दाख हो गया तो यही है ना ठीक है यानी कि गुजरात हो गया इसमें है ना हरियाणा शेयर नहीं करेगा क्लियर सी बात है ठीक है हरियाणा नॉट शेयर बाउंड्री विद द पाकिस्तान सो so, इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है तो ये याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ सीमा है हमारी ठीक है अगला सवाल है एट विच प्लेस इन हरियाणा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग आर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरकार एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप कर रही है ठीक है आयु सी मैं रिमूव कर दूंगा अगर नेक्स्ट uh, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लोगो हाइड करेगा ऑप्शन सो विल रिमूव पलवल होगा ठीक है दूसरा कालका होगा बल्लभगढ़ हो जाएगा Right? गोरखपुर ठीक है सो so, इसमें से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन right, गोरखपुर याद रखेगा गोरखपुर अगला सवाल है दोस्तों अब गोरखपुर ये याद रखिएगा ये आपके यूपी में भी पड़ता है और गोरखपुर आपके हरियाणा में भी पड़ता है तो कन्फ्यूजन में मत जाइएगा ठीक है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दैट वर प्रेजेंट ऑरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज ठीक है तो इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या कितनी है 391, 396, 392 या फिर टू थ्री नाइन्टी फाइव यस विच वन इज राइट तो 391 होगी 396 होगी 392 होगा या फिर 395 हो जाएगा दोस्तों सो काफी देखो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देखो अगर हम लोग ओरिजिनल आर्टिकल्स की बात करने जाएं कि हमारे संविधान में जो ओरिजिनल आर्टिकल्स हुआ करते थे मोल रूप से वो आपके 395 ही थे है ना अभी संशोधन होते चले जा रहे हैं ठीक है थीके? और अगर हम लोग पार्ट्स की बात करने जाए सो आई होप यू एवरी नो अबाउट इट इट पहले जो ऑरिजिनल पार्ट्स थे वो आपके बाईस थे और बाइस से संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है दोस्तों पच्चीस हो गई है ठीक है फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करने जाए तो शेड्यूल्स की बात करते हैं तो शेड्यूल्स की संख्या शुरुआत में कितनी हुआ करती थी आठ और आठ से बढ़कर के शेड्यूल की संख्या कितनी हो गई है बारह ठीक है याद रखिएगा तो पार्ट्स आपके बाईस थे पच्चीस हो चुके हैं शेड्यूल्स आपके आठ थे बारह हो चुके हैं और ओरिजिनल आर्टिकल जो हुआ करते थे कितने थे थ्री नाइनटी फाइव ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया सो दोस्तों खिलाफत मूवमेंट आपने पढ़ा होगा इसकी शुरुआत होती है नाइनटीन नाइनटीन में आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो इसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया और इसमें बड़े लेवल पे जो भारत में इनिशिएटिव चलाया वो अली ब्रदर्स ने तो अली ब्रदर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसमें हम लोग मोहम्मद अली के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में सौकत अली तो मोहम्मद अली और दूसरा है सौकत अली तो इसमें से इट वॉज अ मूवमेंट इन डिमांड ऑफ पाकिस्तान इट वॉज अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द तुर्किसान इट वॉज अ मूवमेंट टू रिस्टोर द मुगल रॉयल फैमिली इन इंडिया और इट वॉज अ मूवमेंट अगेन्ट दशाकरे ऑफ जलियावाला बाग तो इसमें से आप जो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सेकंड इज राइट इट वॉज अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ तुर्कि सुल्तान ठीक है तो याद रखेगा जो ओटोमन एम्पायर था आई होप कि आपने ओटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा तो ये ओटोमान एम्पायर से जुड़ा हुआ था और उसी के सपोर्ट में यह शुरू हुआ है ठीक है याद रखियेगा किसके सपोर्ट में ओटोमन एम्पायर के सपोर्ट में ही ये शुरू हुआ है ठीक right. है, कि the, uh, गया है संतूर। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो संगीत यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ नहीं है उस्ताद अमजद अली खान साहब तरुण भट्टाचार्य पंडित शिव कुमार शर्मा या भजन सोपोरी नहीं जिन्ना इसी में नहीं थे जिन्ना खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं थे याद रखेगा जिन्ना का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था हाँ आप कह सकते हैं मॉन्टेगेंज फॉर रिफॉर्म के समय जरूर था ये जिन्ना का इससे कोई लेना देना नहीं था ठीक है इसका जो राइट आंसर है <coughs> दैट इज उस्ताद अमजद अली खान साहब तो याद रखिएगा ये आपके इससे जुड़े हुए नहीं है और अमजद अली खान साहब की अगर हम लोग बात करने जाएंगे सो ही इज एसोसिएटेड विद द सरोद तो याद रखिएगा ये सरोद से जुड़े हुए हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है कि द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीट ट्रेडी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द हेडक्वार्टर इन इंडिया एस ठीक है तो जरा बताइएगा कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रेडी की बात कर रहे हैं हम लोग इसका भारत में जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आ, या फिर आपका ओईसीडी है दोस्तों तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल आपने सुना होगा सोलर अलायंस तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल uh, एनर्जी को प्रमोट करती है नाटो की कैसे बात करोगे दोस्तों नाटो का हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल्स में मिलेगा ना आपको ठीक है ओईसीडी का आपको मिल जाएगा पेरिस में इंडिया में पूछा है कि हेडक्वार्टर कहाँ होगा भारत में होगा दोस्तों ठीक है भारत में पूछा गया तो इसका जो हम लोग इस्टेब्लिशमेंट पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं दो हजार पंद्रह में और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा दैट इज लोकेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा ठीक है याद रखिएगा गुरुग्राम कहाँ पे मिल जाएगा हरियाणा में मिल जाएगा ठीक है अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा है जॉन बर्गर है ठीक है चार्ल्स बैचमैन है जॉन मखारथी है या फिर डेविड ब्रडली है सो विच वन इज राइट इसका सही आंसर क्या होगा बाकी का तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना नाटो का ब्रूसेल्स में मिलेगा ओईसीडी का कहाँ पे मिल जाएगा पेरिस फ्रांस uh, में मिल जाएगा ठीक है और एक जो ए टी एस है इसका मुझे भी फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है इस समय मैं फुल फॉर्म इसका रिकग्नाइज याद नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका क्या था सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखेगा जॉन मकार थी ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर अगला सवाल है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ठीक है आपने पढ़ा होगा एन आर एच एम के बारे में ठीक है तो ये कब लॉन्च किया गया था वन इज राइट ठीक है विच वन इज राइट दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हो ना एक बार अपने दोस्तों के साथ सेशन को लाइक जरूर कर दो और शेयर जरूर कर दो क्योंकि इतनी संख्या कम रहेगी तो फिर कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए सुबह सुबह जग के इतना कंटेंट तैयार करके के बेहतरीन सेशन लाने का प्रयास करें तो एक बार शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है सो so दैट बाकी के लोग भी जुड़ सके सेशन में और इसको अटेंड कर सके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज एट टू थाउजेंड फाइव इज द राइट आंसर देखो तो हम लोग जब भारत निर्माण के बारे में पढ़ते हैं भारत निर्माण जो प्रोग्राम था वो भी टू थाउजेंड फाइव में ही आया था इस प्रोग्राम की भी बात करें तो यह भी आपका कब इंप्लीमेंट हुआ था 2005 में दोस्तों ठीक है 2005 अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन तो संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है फिर से देख लीजिएगा संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है यह एक बेहतरीन सवाल है और इसमें से आप किस ऑप्शन पर चाहेंगे विच ऑप्शन इज राइट इसका जो करेक्ट आंसर पहले पढ़ लीजिएगा संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है सो so, दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ याद रखिएगा ऑफ द यूनियन तो so, इसमें जो शामिल किया जा सकता है फिफ्टीन परसेंट हम लोग लेते हैं ना फिफ्टीन परसेंट टोटल स्ट्रेंथ का याद रखिएगा तो so, दोस्तों यहां पर जो रहता है वो कितना रहता है पंद्रह है ना तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग लेते हैं दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जब भी आपने क्या करनी है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री का निर्माण करना है मंत्रिमंडल का निर्माण करना है तो टोटल जो भी स्ट्रेंथ है सदन की उसका कितना परसेंट होना चाहिए पंद्रह परसेंट होना चाहिए ठीक है ऑप्शन वन इज राइट ठीक है अगला सवाल देखो दोस्तों मिस्टर डोंग आ चुके हैं बोल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोस्तों जो भी आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ये कोर्सेस है यानी कि अगर मैं बात करने जाऊँ आपकी किसकी इस सेल की तो ये सेल दोस्तों बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है और अभी तक जितने भी लोगों ने एनरोल नहीं किया है मैं सभी को यही बोलूंगा कि आप इस सेशन के लिए एनरोल जरूर कर लें ठीक है अगर अभी भी एनरोल नहीं किया है दोस्तों तो इस मौके को बिल्कुल भी मत जाने दीजिए और ये जो है सबसे लोएस्ट प्राइस पर सेल गोइंग ऑन है तो सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा जितने लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर जरूर दबा दीजिएगा यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे यहां पर जाएंगे दोस्तों तो आपको मेरी हर एक मास्टर क्लास मिल जाएगी है ना तो मास्टर क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे होती है वीकेंड पे भी और रेगुलर डेज पे भी दोस्तों है ना और साथ में यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज और पूरी कम्प्लीट प्ले लिस्ट ठीक है तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सेल इस समय गोइंग ऑन है ठीक है और इसका नाम है सिलेक्शन की उड़ान और यहाँ पर आपके सभी कोर्सेज चाहे आप एजे की तैयारी कर रहे हो चाहे आप डबल ए की तैयारी कर रहे हो या फिर आप डी की तैयारी करने जा रहे हैं ठीक है तो सभी कोर्सेस अवेलेबल है एक्स्ट्रा क्लास डाउट सेशन स्टडी सेशन रिविजन सेशन के साथ और इनमें से किसी भी एक प्लान को सिलेक्ट करें और जब भी पेमेंट करने जाए सो यू कैन यूज द कूपन कोड दस एस एच आई वी के टी ठीक है और जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट और ये पड़ेगा आपका याद रखिएगा थ्री मंथ का मिनिमम चार्जेस के साथ सिक्स एट मंथ का आप देख पा रहे होंगे तीन हजार एक सौ उन्नीस और ये पड़ जाएगा दोस्तों सोलह महीने का तीन हजार आठ सौ निन्यानवे रुपए ठीक है सो यूज दिस कूपन कोड एंड टू गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट चलिए अब हम लोग स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और, और देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वर द फर्स्ट टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया तो वो कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज इन आर्टिकल कोई बात नहीं आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए हम लोग हार्ड वर्क करते रहेंगे आप लोग भी हार्ड वर्क जरूर करते रहें ठीक है क्योंकि हम और आप जब दो जब दोनों मिलकर के हार्ड वर्क करेंगे तभी बेहतर रिजल्ट आएगा तो दोस्तों देखिए देखना पड़ेगा कि ये जो पुर्तगाली है ये आए कब तो भारत में आए ये चौदह में वास्को डि गा अल्फांसो दी अलबुकर और फ्रांसिस्को डी अलमोड़ा और ये गए कब तो 1961 और 62 टू आपने पढ़ाए तो सबसे पहले आए सबसे बाद में गए डचों का जो आगमन हुआ वो हुआ 1602 में हॉलैंड के निवासी थे और ये जाते कब है तो बैटल ऑफ वेदरा के बाद सत्रह में फ्रांसीसी भारत में जब आते हैं दोस्तों तो ये आते हैं सिक्सटीन तो सबसे लास्ट में आते हैं और ये जाते हैं नाइनटीन में ठीक है और ये है ब्रिटिश तो ब्रिटिश का आगमन हुआ था आपके 1608 में है ना और इनका प्रस्थान कब हुआ था दोस्तों पुर्तगाली right और वो भी कौन सा व्यक्ति आया था डी तो मालूम है वो सबसे पहले आया और वो कहां पे पहुंचा कालीकट ठीक है तो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के रास्ते होते हुए वो भारत में आता है कालीकट पहुंचता है राजा जमोरिन से मुलाकात करता है और फिर धीरे धीरे बाकी लोगों का आगमन आना शुरू हो जाता है क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय डी सी डी हाँ सी पुणे तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्या, है प्रोजेक्ट e uh, भारत माला है और प्रोजेक्ट जतन है विच वन इज राइट जरा बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सीडेक पुणे के द्वारा शुरू की गई है ये योजना और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज अ प्रोजेक्ट जतन ठीक है दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन प्रोजेक्ट जतन अगला सवाल है जो क्वार्टजाइट होता है ये किस प्रकार की चट्टान होती है क्वार्टजाइट की बात की गई है इग्नियस है बसाल्ट है औषादी है या फिर मेटामॉर्फिक है हा भारतमाला तो याद होगा दोस्तों भारतमाला का जो काम था आशुपाल जी ये था आपका जो एक्स एक्सप्रेस वेज है हाईवे हैं इन सभी के लिए भारतमाला हम लोग लेकर के आए थे पोर्ट्स और ने, नेशनल वाटरवेज के लिए आप सागरमाला लेकर के आए थे है ना और एक आ गई है पर्वतमाला जिसमें आप रो, रोप वे का निर्माण कर रहे हैं ठीक है तो अभी हाल ही में एक वो चल गई है ना आपकी क्रूज शिप वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक ठीक तो है तो वो सागरमाला का ही पार्ट है तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेटामॉर्फिक ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट अगला सवाल है हु इज कॉन्सिडर एज द फादर ऑफ जियोग्राफी तो फादर ऑफ जोग्राफी भी बता दीजिएगा और हो सके तो साथ में हिस्ट्री भी बता दीजिएगा पॉलिटी भी बता दीजिएगा और इकोनॉमी भी बता दीजिएगा ठीक है तो देखो मैं आपको चार सब्जेक्ट मोस्टली पढ़ाता हूँ और इन चारों सब्जेक्ट के फादर यहाँ पे आपको हो सके तो थोड़ा कमेंट करके आंसर बताएगा कि वह ऑप्शन इज राइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों देखो जोग्राफी की अगर हम लोग बात करने जाएँ तो जोग्राफी के याद रखेगा दर्जा एरेट ओस्तनीज जोग्राफी के कौन है एरेट है जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री में हम लोग हेरोडोटस की बात करते हैं है ना पॉलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो पॉलिटी में हम लोग किसकी बात करते हैं अरस्तु की या फिर ठीक है अरिस्टोटल की, की बात करते हैं और जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों याद रखिएगा जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एडम स्मिथ की तो इकोनॉमी में एडम स्मिथ है पॉलिटी में अरस्तु है और हिस्ट्री में हेरोडोटस है और जोग्राफी की बात करोगे सो दैट इज अ याद रखिएगा ठीक ठीक है, है। है अगला सवाल पूछा गया है कि चंद्रगुप्ता द्वितीय यानी कि हम लोग बात कर रहे होंगे विक्रमादित्य के बारे में ठीक है विक्रमादित्य विक्रमादित्य दोस्तों सबने पढ़ा है ना चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके समय में एक किताब लिखी गई थी देवी चंद्रगुप्तम देवी चंद्र गुप्तम दोस्तों ठीक है तो ये याद रखेगा जो वारा है मेहर है देखो अगर हम लोग बात करने जाए तो इसके नौ रत्नों में से एक थे है ना ये भी गुप्ता डायनेस्टी में इंक्लूड थे अगर विशाख दत्त की भी बात करो तो ये भी गुप्ता डायनेस्टी के ही समय थे जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा मुद्रा राक्षसा और दूसरी एक किताब लिखी होगी उन्होंने जिसका नाम क्या है देवी चंद्र गुप्तम इनकी एक और किताब है देता देवी चंद्र गुप्तम और एक हम लोग जो बुक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है मुद्रा राक्षस ठीक है मुद्रा राक्षस सो so इसमें से जो द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा बनाया गया था कामनी और uh, दूसरा साइरस uh, है या फिर अप्सरा है या फिर ध्रुव है विच वन इज राइट विक्रम बेताल वो अलग अलग रहते हैं विक्रम बेताल रहते हैं ठीक है हम लोग छपनक के बारे में पढ़ते हैं दूसरा हम लोग उनके बारे में भी पढ़ के जाते हैं कालिदास के बारे में ठीक है तो इस तरीके से टोटल नाइन रहते हैं इसमें से जो करेक्ट आंसर है दरेजा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट द्वैत अद्वैता तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ये जो विशिष्ट विशिष्ट अद्वैता की जो फिलोसफी है ठीक है किसके द्वारा स्थापित की गई थी विशिष्टा द्वैता सो विच ऑप्शन इज राइट विष्णु स्वामी हैं माधवाचार्य हैं रामानुजाचार्य हैं या फिर निबकाचार ठीक तो है रामनुजाचार, तो रामानुजाचार्य ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था विशिष्ट द्वैत दर्शन ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबिक कंपोनेंट तो निम्नलिखित में से एक अजैविक घटक नहीं है ठीक है अजैविक घटक वाटर है ग्रीन प्लांट है सनलाइट uh, है या फिर सॉइल है ठीक है विच वन इज राइट हाँ तो ये अजैविक घटक पूछा गया सो दोस्तों ये याद रखिएगा ग्रीन प्लांट नहीं है क्योंकि ये आपका कैसा है बायोटिक है ये आपका बायोटेक है एबियोटिक नहीं है दोस्तों ठीक है तो ये बायोटिक कंपोनेंट है ठीक है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज आ रिपब्लिक सो दोस्तों रिपब्लिक अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ठीक है और इसके ऑथर का नाम जरा बताइएगा लियो टॉल्स्टॉय है और जॉन रस्किन है प्लूटो है या फिर टी एस एलियट है सो so दोस्तों इसके जो ऑथर है दर इज ऑफ प्लूटो है ना और इन्होंने रिपब्लिक किताब लिखी हुई है दोस्तों जॉन रस, रस्किन की हम लोग एक किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है अन टू द लास्ट अन टू द लास्ट और आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी की फेवरेट बुक में से ये एक बुक थी अन टू द लास्ट और बहुत ही प्रसिद्ध हुई ये किताब है ना इससे काफी बड़ी प्रेरणा भी मिली उनको और लियो टॉल्स्टॉय के बारे में तो आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी ने जो भी साबरमती आश्रम की स्थापना की वो सब सारा जो भी उनको प्रेरणा मिला वो लियो टॉल्स्टॉय से ही मिला था अगला सवाल है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है ये निम्नलिखित में से किसको कनेक्ट करती है तो बेरिंग स्ट्रेट के बारे में आपने सुना होगा कि ये रसिया और यूएसए इन दो को कनेक्ट करने का काम करती है तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे अटलांटिक ओशियन एंड ऑफ हटसन है सो so इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन ठीक है अगला सवाल है कि विच स्टेट डज नॉट है विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल सो so दोस्तों आपने पढ़ा होगा आर्टिकल कौन सा है 169 आर्टिकल 169 ये किसके बारे में बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है ठीक uh, uh, है ठीके? और ये कहता है कि देर आर ओनली सिक्स स्टेट ओनली सिक्स स्टेट्स हैव बाई तो हमारे पास सिर्फ छह राज्य हैं जिनके पास बाई कैमेरल होता है यानी कि बाई कैमरल का मतलब बोले तो द्विशदन पद्धति तो आप पढ़ते हैं ना द्विशदन पद्धति तो सिर्फ द्विशदन पद्धति छह राज्यों में है और ये कौन से हैं ताकुंभ आपने एक पढ़ा होगा पैटर्न ताकुंभ यानी कि तेलंगाना है इसमें आपका आंध्र प्रदेश है कर्नाटका है यूपी है महाराष्ट्र है और कौन सा है बिहार सो दीज आर सिक्स स्टेट विच हैव द बाई सिस्टम छह राज्य आपने पढ़े होंगे जिनका बाई कैमेरल सिस्टम है तो इनमें से किसमें नहीं है सो दोस्तों आपको कर्नाटका में मिल जाएगा महाराष्ट्र में मिल जाएगा तेलंगाना में मिल जाएगा कहां पर नहीं है केरल में ठीक है तो केरल को हमने निकाल दिया तो पैटर्न याद रखिएगा कौन सा है आपका आर्टिकल 169 दोस्तों है ना और इसका निर्माण होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है राज्यों के असेंबली के रिकमेंडेशन पर अगर वो रिकमेंड करती हैं तो पार्लियामेंट राज्यों में परिषद का निर्माण कर सकता है ठीक है और जिस तरीके से राज्यसभा होती है उसी तरीके से सारे फीचर परिषद के होते हैं कि परिषद अगर होती है तो स्थायी सदन होता है छह साल का कार्यकाल होता है तीस साल उम्र चाहिए सदस्य बनने के लिए और प्रत्येक दो साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाएंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु फाउंडेड द दिलेव डायनेस्टी सो दोस्तों आपने पद पढ़ा होगा कि जब गौरी की डेथ होती है तो गौरी की डेथ के बाद सिलेव वंश की स्थापना होती है और ये आपका जाता है 1206 से लेकर के कहाँ तक 1290 तक तो इसमें अलग अलग डायनेस्टी आ जाती हैं, सिलेव डायनेस्टी आती है मामलूक डायनेस्टी आती है ठीक है और इलबरी डायनेस्टी आ जाती है ठीक है, आ, है, है तो ये अलग अलग डायनेस्टी आती है इसमें तो इसमें से अगर आप सही आंसर टिक करोगे तो याद रखेगा दरिजा कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है दैट इज अ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थ्री इज द राइट आंसर ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों ठीक है गयासुद्दीन जो बलवन होता है कई बार आप इसको गाजी मलिक भी पढ़ते हैं तो जो गाजी मलिक था ये किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था ही वॉज एसोसिएटेड विद द तुगलक डायनेस्टी ठीक है तो ये तुगलक वन से जुड़ा हुआ था ठीक है रजिया सुल्तान भी इसी का ही पार्ट थी ठीक है नसरुद्दीन भी इसी का ही पार्ट था तो ये तीनों के तीनों जो राजा रहते हैं ये याद रखेगा इस सिलो डायनेस्टी से तो फाउंडर वॉज द ऐबक बट हु द रियल फाउंडर अगर ये पूछा गया कि रियल फाउंडर कौन था तो आप किसको टिक करेंगे इलतुतम सो एबक वॉज द फाउंडर ऑफ सिलो डायनेस्टी बट द रियल फाउंडर वॉज दॉज दिल्तुतम ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम अचीवमेंट हैव बीन बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यस मनीष वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार कोई सर को बता दो यार बफर कर रहा है नहीं बफरिंग तो नहीं है आई होप कि देर इज नो बफरिंग बाकी और किसी का भी प्रफर कर रहा है मेरे साइड से तो नहीं है मैं भी सामने मोबाइल में लेकर के बैठा हुआ हूँ ठीक है सो एवरी इज फाइन यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर है सो so इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना ठीक है सो दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर दोस्तों तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा पी एम और पी एम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और ये आया था 2014 में आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ठीक है इसको अगर हम लोग बात करने जाए तो याद रखेगा केटेजा वर्ल्ड लार्जेस्ट अकाउंट ओपनिंग स्कीम मेरा खाता भाग्य इसी को बोला गया था ना मेरा खाता भाग विधाता कि भाई साहब आइए और जीरो बैलेंस पर आप अपना अकाउंट ओपन करिए ठीक है थीके? जीरो बैलेंस पर तो इसको हमने ये भी बोला था ना कि कौन सा बी एस बी डी है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ठीक है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ठीक है तो बेसिक सेविंग है कि आपको कोई पैसा नहीं लगेगा आपका अकाउंट खुल जाएगा और उसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल रहा है आपको एडिशनल ओवर भी मिल रहा है ठीक है तो सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है ठीक है अगला सवाल देखो अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट है कि आप अपने डिस्काउंट पाने के लिए आज कूपन कोड यूज कर सकते हैं एस एच के टी और यहाँ पर 20 नहीं दोस्तों 90 परसेंट का डिस्काउंट आज चल रहा है ठीक है तो इसका फायदा जरूर उठाएं अगला सवाल है कि जो साथ ई प्रोजेक्ट है आपका ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है एजुकेशन से एग्रीकल्चर से ट्रांसपोर्टेशन से या फिर आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है विच वन इज राइट आंसर हाँ बिल्कुल जीरो बैलेंस में खुलता है बहुत सारे बेनिफिट है और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि ये जो आपके मतलब ये जो अकाउंट थे ना पीएमजेडी वाई के तहत जो जनधन अकाउंट इनकी वजह से बहुत कुछ बेनिफिट हुआ कि लोगों को जो सब्सिडी मिल रही है सरकार की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रहा है ठीक है सो दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर एजुकेशन ठीक है अगला सवाल है इन विच ईयर डिड द डाइवेस्टमेंट प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन इंडिया स्टार्ट तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे हैं डाइवेस्टमेंट कह सकते हैं या फिर आप इसको एक और दूसरा वर्ड देते हैं दैट इज अ डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है तो दो तरीके के वर्ड हैं दर इज अ डाइवेस्टमेंट एंड अनादर वर्ड इज द डिस इन्वेस्टमेंट दोस्तों ठीक है सो डिसमेंट होता क्या है कि ये हम लोग क्या करते हैं कि वेन द शेयर याद रखिएगा जब जो शेयर होती है या फिर आप कह सकते हैं जो ओनरशिप होती है ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज रिड्यूस ठीक है तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज में जो सरकार की शेयर होल्डिंग है उसको क्या किया जाए रिड्यूस किया जाए यानी कि सेल कर दिया जाए जैसे एग्जाम्पल के तौर आपने पढ़ा होगा जैसे हम लोग बात करने जाए एयरवेज के बारे में तो अभी एयर इंडिया की बात चल रही है जैसे आपने देखा होगा रेलवे में ठीक है तो रेलवे में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट आना शुरू हो गए जैसे आपने पढ़ा होगा आई का सुना होगा ठीक है आपने एल के बारे में सुना होगा तो जब सरकार अपनी कंपनीज में से अपनी शेयर होल्डिंग को बेचने लगती है यानी कि अपने शेयर होल्डिंग को कम करने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं डाइवेस्टमेंट बोलते हैं या इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट तो अगर सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग बेची है तो किसी ने खरीदी होगी प्राइवेट ने तो प्राइवेट के लिए री इन्वेस्टमेंट है और सरकार के लिए डाइवेस्टमेंट है दोस्तों ठीक है अगर सरकार ने खरीदा है तो री इन्वेस्टमेंट है जिसने बेचा है उसके लिए डाइवेस्टमेंट है ठीक है तो ये एक्चुअल में शुरू हुआ था नाइनटीन और ये कब हुआ था दोस्तों आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग द पी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट तो जब पी नरसिम्हा राव साहब याद रखेगा हमारे देश के क्या बनाए गए थे पीएम बनाए गए थे तो उस समय ये शुरू हुआ और ये इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द एल रिफॉर्म याद रखिएगा ये क्या है आपका एलपीजी रिफॉर्म एल पीजी का मतलब आप जानते होंगे कि दैट इज अ लिबरलाइजेशन तो ये लिबरलाइजेशन है <coughs> दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा हम लोग जो देखते हैं दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन ठीक है तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और एक कौन सा पढ़ते हो आप दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन दोस्तों ठीक है अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर तो निम्नलिखित में से जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्थित है तो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दचिगम है जल्दपारा है बलपक्रम है दोस्तों देखिए सिर्फ ऑप्शन को जानना ही इसमें सब कुछ नहीं है है ना आपको देखना पड़ेगा जैसे जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करने जाए सो तो दोस्तों आप इसमें डल भी पढ़ते हैं और वुलर लेक भी पढ़ते हैं डल वुलर वैरीनाग अनंतनाग से फिर यहाँ पर आपने एक पढ़ी है सलीम अली है ना नेशनल पार्क के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है नेशनल पार्क नॉट बर्ड सेंचुरी बर्ड सेंचुरी गोवा में दूसरा आपने पढ़ा होगा कौन सा दोस्तों एक आपने पढ़ा होगा किश्तवार तो किश्तवार सलीम अली और दूसरा कौन सा है आपका इज़ uh, दचिगम तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू तो दचिगम है ठीक है तो ये दचिगम कहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर में अच्छा जल्दपारा कहाँ पर मिलेगा दोस्तों हाँ जल्दपारा मिल जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में जल्दपारा uh, और दूसरा गोरुमारा है ना बक्सा सुंदरवन बलपक्रम एंड नोकरेक तो जो बलपक्रम है और नौकरेक है ये मिल जाएगा आपको कहां पर मेघालय मेघालय दोस्तों ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रह गया है दैट इज अ पाखल ठीक है तो जरा बताइएगा कि वेर इज द पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों ठीक है पाखल के बारे में जरा बताइएगा कि आपकी जो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पर स्थित है आयु सी कोई बफरिंग नहीं है फिर भी मैं एक, एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो आपको मिल जाएगी ना ये मिल जाएगी तेलंगाना में ठीक है दैट इज लोकेटेड इन तेलंगाना तो ये मिलेगी आपको कहाँ पर तेलंगाना में ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि विच इज दी नाइन्थ स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014 ठीक है सो बफरिंग नहीं है आई होप कि मेरे साइड से सब कुछ क्लियर है बाकी आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस है तो या नेट वेट का कोई इशू है नहीं महाराष्ट्र में नहीं है तेलंगाना में है ये so सो दोस्तों ये तेलंगाना ही बनाया गया था और आपको मालूम है ये सेपरेट हुआ था किससे फ्रॉम आंध्र प्रदेश है ना आंध्र प्रदेश से ही बना था उत्तराखंड बना था आपका कब तो उत्तराखंड को हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं नाइन्थ नवंबर 2000 और ये बना था फ्रॉम यूपी झारखंड झारखंड कब बना था दोस्तों फिफ्टींथ नवंबर, जनजाति गौरव दिवस 2000 थाउजेंड किससे फ्रॉम बिहार और ये जो है आपका सिक्किम ये आया था आपको याद हो थर्टी सिक्स अमेंडमेंट के तहत और ये अमेंडमेंट हुआ था 1975 में ठीक है तो आकी बाकी सब क्लियर है ना हाँ बिल्कुल सेकेंड जून ठीक है सो दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर लेकिन अब याद रखिएगा हमारे पास जम्मू कश्मीर को आपको स्टेट से कन्वर्ट कर दिया गया है यूटी में तो वर्तमान में दे रहा है टोटल ट्वेंटी एट स्टेट और एट यूनियन टेरिटरी ठीक है चलिए सवाल है 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 पूछा जा रहा तो ये में से जो कटिक है, इसके ऑथर कौन है कालिदास है सूत्रक है, हरसा है या फिर भास है विच वन इज राइट यस सो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है सूत्रक इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सूत्रक इज द करेक्ट मृक्ष कटिक काफी प्रसिद्ध रही है दोस्तों मृक्ष कटिका सो दैट इज इज ऑप्शन सेकंड द राइट आंसर हर्षवर्धन के तो आपने पढ़ा होगा कि तीन आप पढ़ते हैं तीन नागनंदा प्रियर्शिका और रत्नावली ठीक है हर्षवर्धन की हम लोग रचनाएं पढ़ते हैं अगला सवाल है हुआ वेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वॉज फॉर्म्ड तो जरा बताइएगा कि जब रॉयल कमीशन का निर्माण हुआ था सिविल सर्विसेज पर तब उस समय भारत का वायस राय कौन था उन्नीस में 1912 देखो बहुत सिंपल है अगर आप मतलब लगाना चाहें तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 1912 में एक दोस्तों घटना घटी थी जिसका नाम था दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्प्रेशी तो इस समय एक दिल्ली बॉम्ब कॉन्स्प्रेशी की घटना घटी थी है ना और तो उसमें सचिन सन्याल और बिहारी बोस ने तत्कालीन वायस राय के ऊपर बम फेंक दिया था और उससे पहले एक और घटना घटी थी 1911 में आप पढ़ते हैं दिल्ली दरबार ठीक है तो आपने दिल्ली दरबार भी पढ़ा था 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी भारत में चीफ गेस्ट बन के आते हैं कैपिटल शिफ्ट होती है तो क्लियर सी बात है दोस्तों कि इसमें आप टिक करने जाएंगे लॉर्ड कौन हो जाएंगे हार्डिंग टाइम पीरियड आपको देखना पड़ेगा दोस्तों ठीक है सो करेक्ट आंसर कौन सा है दैट इज इज ऑप्शन द राइट आंसर ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर क्लियर है इरविन की बात करते हो तो 1931 देखने पड़ेगा डफरिन की बात करोगे तो जब आईएनसी की स्थापना हुई थी करजन की बात करते हो तो पार्टीशन को ध्यान देना पड़ेगा और हॉर्डिंग की बात करते हो तो उन्नीस और वो बारह वाला पार्ट अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एमिनेंट पर्सन इज एसोसिएटेड विद द बारदोली तो दोस्तों एक बारदोली जो है एक गुजरात में अगर आप देखने जाएं तो याद रखिएगा एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और ये हुआ 1928 में 1928 में और इस मूवमेंट की अगर मैं बात करने जाऊं तो इस मूवमेंट में किसानों के सपोर्ट के लिए ठीक है किसानों के समर्थन के लिए यह बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था टू सपोर्ट फार्मर्स ठीक है टू सपोर्ट याद रखिएगा फार्मर्स तो किसानों के समर्थन में खड़ा किया गया था आंदोलन ठीक है तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे तो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सेकंड इज राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ठीक है सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि द डाउन फोल्ड इन अ रॉक नोन एज तो एक चट्टान में नीचे की तह को किसके रूप में जाना जाता है तो ये सिंक लाइन है आ, बैक लाइन है क्रस्ट लाइन है या फिर एंटीक लाइन है ठीक है विच वन इज राइट अरविंदो घोष की किताबें अलग अलग हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों ठीक है सो विच वन इज राइट इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है दरेजा याद इज दरेजा सिंकलाइन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन दोस्तों ठीक है सेंटर स्टेट रिलेशन आपको मालूम होगा कि इसमें से जो जुड़ा हुआ था सरकारी आयोग तो हंड्रेड परसेंट जुड़ा हुआ था इसमें से जो कोठारी आयोग है ये केंद्र और राज्य के संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं था दोस्तों ठीक है तो जो कोठारी आंदोलन है याद रखेगा ये इट वॉज नॉट एसोसिएटेड सेंटर स्टेट रिलेशन ठीक है अगला सवाल है जो जोजिला टनल है दोस्तों यह निम्नलिखित में से कहां पर मिलेगी सिक्किम में मिलेगी यूपी में उड़ीसा में या जम्मू कश्मीर में इसका लोकेशन पूछा जा रहा है जो टनल का और जब हम लोग जो जिला टनल की बात करते हैं सो इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है दोस्तों पूछा जा रहा है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन इंडिया ठीक है जरा बताइएगा कि गोल्ड का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा है दोस्तों तो के जी कहां पर मिलता है के जी एफ कोलार गोल्ड फील्ड कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में तो सुना होगा ना तो दैट इज अ कर्नाटक बट याद रखिएगा रिसेंट जो आपको सर्च है रिसेंट जो अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि अगर हम लोग सबसे ज्यादा देखने जाए तो अभी वर्तमान में जो है बिहार इस समय न्यूज में चल रहा है दोस्तों ठीक है तो बिहार भी बहुत बड़े मात्रा में न्यूज में चल रहा है ठीक है और कर्नाटक इन दोनों को थोड़ा अच्छे से पढ़ के चले जाएगा दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और अटल कौशल विकास योजना है या महात्मा गांधी कौशल योजना है ठीक है विच वन इज राइट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और स्किल डेवलपमेंट का जो नाम है दट इज अः ठीक है स्किल डेवलपमेंट का जो नाम है याद रखिएगा पी के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने एक पढ़ा होगा दरेजा स्किल इंडिया दूसरा आपने एक इनिशिएटिव पढ़ा होगा दरेजा एन एस डीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो एन एस डी सी के बारे में पढ़ा होगा और पीएम के के बारे में पढ़ा होगा स्किल इंडिया के बारे में सुना होगा ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है दैट इज ऑप्शन वन इज राइट दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि विच फेमस ऑथर यूज द पेन नेम द पेन नेम माधव विकुटी तो जो माध विकुटी है जरा बताइएगा जो नामक नाम है वो लेखक में से किस लेखक ने इस्तेमाल किया है तोरु दत्त है कमला दास है बलमनी अम्मा है या फिर नयन तारा सहगल है ठीक है सो इसमें से अगर आप सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज अप्शन से थर्ड इज द राइट आंसर ठीक है तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा कमल दास ठीक है यस ऑप्शन थ्री इज राइट अगला सवाल है कि विच इज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो भारत का सुपर कंप्यूटर इसमें से कौन सा है परम युवा परम एट एट थाउजेंड है परम बायोक्रोम है या फिर परम पद्म है हाँ कल वाला में भी रहेगा अभी ठीक है एक बार चेक कर लेना आंसू बिल्कुल रहेगा ठीक है सो दैट इज अ परम एट हंड्रेड ठीक है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि सेटअप किया गया था अगर आपने हो तो ये सेटअप किया गया था आपके सीएसओ के ऑफिस वर्किंग ऑफिस कहाँ पर कोलकाता में ठीक है सीएसओ के वर्किंग ऑफिस कोलकाता में ठीक है अगला सवाल है कि विच कंट्री हैज द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग तो निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सफल है फिनलैंड में नॉर्वे में स्वीडन में या फिर डेनमार्क में तो इनमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर ठीक है मैं देख नहीं पाया हूंगा आयुसी दोबारा एक बार लिख दीजिएगा कमेंट कभी कभी कमेंट बहुत स्पीड में जाते हैं और ये कंटेंट भी देखना होता है सो दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर डेनार्क इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है डेनमार्क इज द राइट आंसर ठीक है ये सपूर वेरी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्मड द इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों तो आईएनसी की स्थापना आपने पढ़ी होगी कि आईएनसी की स्थापना जब हम लोग देखते हैं तो 1885 में हुई है ना और ये किसके द्वारा का कब होती है जब हम लोग देखते हैं लॉर्ड डफरेन तो जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड डफरिन थे और यहाँ पर ये वायसराय थे ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया और इट वॉज क्रिएटेड एज अः क्या कह सकते हैं सेफ्टी वॉल्व तो सेफ्टी वॉल्व के तौर पर निर्माण की गई थी तो ए ओ ह्यूम याद रखेगा एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ठीक है ये कई बार पूछा जाता है तो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इसकी स्थापना की डब्ल्यू सी बनर्जी याद रखेगा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हम लोग देखते हैं कि आईएनसी के सबसे पहले प्रेसिडेंट हुए और वो भी कब हुए दोस्तों याद रखेगा बॉम्बे uh, uh, वाले समिट में फिर आपके बनते दादा भाई नौरोजी तो दादा भाई नौरोजी बनते हैं सेकेंड आई कॉन्फ्रेंस में याद रखेगा सेकेंड आई कॉन्फ्रेंस में ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू इम्यूनाइज इम्यूनाइजिल्ड्रेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे विश्व तो मलेरिया दिवस के अवसर पर किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के टीकाकरण के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया है तो इसमें से आ, मलावी है नैरोबी है घान, आ, घाना है घाना या फिर केन्या और राइट राइट आंसर आंसर है दैट इज इज मलावी द अगला सवाल है थुंबा को की उपस्थिति के कारण रॉकेट परीक्षण प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है थुंबा वॉज सिलेक्टेड एज द आइडियल साइट फॉर रॉकेट लॉन्च ठीक है सो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन इज इज करेक्ट दैट इक्विटोरियल याद रखेगा इलेक्ट्रोजेट्स इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री वर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड सो दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा कि ये एक स्लोगन भी रहा है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं नारा भी रहा है सेवेंटीन uh, एट्टी में एक रेवोल्यूशन हुआ था एक कंट्री में जिस कंट्री का नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक है तो आई होप कि अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर सकते थे ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है तेरे जो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर यूएसएसआर से हमने बहुत कुछ लिया है दोस्तों ठीक है यूएसएसआर से आपने फाइव ईयर प्लान लिए हुए हैं आपने जस्टिस लिया हुआ है कौन सा सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल है ना और यहाँ से हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली हुई ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीजें आपने बोरो की है दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि

तो अर्नेस्ट मैके द्वारा पूरा तात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है इसमें अर्ली इंडस सिविलाइजेशन मिलेगा डीपर एक्सकर्वेशन एट मोहनजोदारो मिलेगा आर्कोलॉजी ऑफ मोहनजोदारो मिल जाएगा या फर्दर एक्सकर्वेशन एट मोहनजोदारो मिल जाएगा ठीक है सो so इसमें से जो करेक्ट आंसर है यहां पर हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है रूहर रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ ठीक है तो जरा बताएगा कि ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको पड़ेगा रूहर रीजन ज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी डेनमार्क हंगरी या फिर फ्रांस विच वन इज राइट तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ठीक है इसमें से जो करेक्ट आंसर दिया गया है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है जर्मनी याद रखेगा करेक्ट हो जाएगा जर्मनी इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है नेम द इंडियाज क्या पूछा गया नेम द इंडियाज फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए शताब्दी है दुरंतो है डक्कन क्वीन है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है सो so दोस्तों याद रखिएगा दैट इज़ अ डक्कन क्वीन ठीक है ये पहली सुपरफास्ट ट्रेन पूछी जा रही है दैट इज़ ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर और डेक्कन क्वीन अभी भी आपको चलती हुई मिलेगी ठीक है डेक्कन क्वीन आपको मिल जाएगी अभी भी ये इस समय चलती रहती है पुणे से कहाँ पर मिलेगी दोस्तों ये मुंबई के लिए ठीक है पुणे से मुंबई के लिए मिल जाएगी अगला सवाल है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेम द फीमेल रेस्लर रिकमेंडेड बाय द रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 गांधी uh, uh, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस को को दिया गया था और ये दिया गया गया था था और यह विनेश पोगाट को, ठीक है है ऑप्शन सेकंड इज राइट अगला सवाल का जो विद्रोह हुआ था भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित की हुई ठीक है तो अठारह की रेवेल्ट की बात कर रहे हैं और इसको निम्नलिखित में से दिखाने वाले व्यक्ति कौन थे थॉमस जोन्स बार्कर हैं जॉन टेनियल है जोसेफ नोएल पैटर्न है या फिर

कि जो अवध होता है ये भी हिस्सा बन जाता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इसके आखिरी वो हम लोग पढ़ते हैं ना मतलब नवाब वाजिद अली शाह साहब ठीक है तो जब वाजिद अली शाह साहब होते हैं उसी के समय में अवध को मिला लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में ठीक है अगला सवाल होता है कि हु वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड सांसद आदर्श ग्राम योजना तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्त्रोत कौन से जवाहरलाल नेहरू साहब थे महात्मा गांधी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या लाल बहादुर शास्त्री और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट महात्मा गांधी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो दोस्तों इसमें से जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट ठीक है सांसद आदर्श ग्राम योजना ठीक है तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि एवरी जो एम होता है ये अडॉप्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर विलेज को और वहां पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास करता है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स ऑफ uh, चिश्ती सिलसिला शेख uh, मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह लोकेटेड हुआ तो मोइनुद्दी की मोइनुद्दीन जो चिश्ती की दरगाह है आपको कहाँ पर मिलेगी फतेहपुर सीकरी तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों आपको किसके आप किसकी हैं तो आपने सलीम की पाई होगी ठीक है आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर एक चिस्ती संप्रदाय के वो रहते हैं जिनका नाम क्या होता है सलीम उन्हीं के नाम पर ही रखा गया था ये जो अकबर ने अपने बेटे का नाम ठीक है तो ये मिल जाएंगे दोस्तों याद रखेगा अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिस्ती है ना तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ठीक है थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है आईओसी थोड़ा सा तो थो बढ़ाना पड़ेगा अगर हमने सवाल कवर करने हैं कम से कम डेढ़ सौ से ऊपर तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना होगा दोस्तों ठीक है सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विच वन इज राइट तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नवंबर ट्वेंटी सिक्स याद रखेगा नाइनटीन फोर्टी नाइन ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन टाइगर रिजर्व है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या फिर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सो दोस्तों देखिए इसमें से जो ग्रेट हिमालयन है ये मिल जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में गिर मिल जाएगा दोस्तों गुजरात में जहां पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर उत्तराखंड में और ये भारत का सबसे पहला याद रखिएगा फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट हम लोग इसको पढ़ते हैं तो भारत का जो सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट है वो यहीं पर आया हुआ था और ये था 1973 में तो इस समय वर्तमान में टोटल आपके पास 55 टाइगर रिजर्व हैं और उनमें से सबसे पहला जिम कॉर्बेट है सबसे आखिरी में जो अभी बनाया गया है वो कहां पर है आपके मध्य प्रदेश में ठीक है मध्य प्रदेश का अब यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जोड़ सकते हैं टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ जहां पर 25 से ज्यादा टीचर्स के 17 प्लस वीडियो कोर्सेज और बहुत सारे मॉक टेस्ट और डेली वन टू वन इंटरेक्शन सेशन गाइड सेशन ठीक है तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज पर ठीक है मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास और अभी ये समय दोस्तों चल रही है सफलता की उड़ान सेल जिसमें ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट ना होकर दोस्तों याद रखिएगा नब्बे परसेंट तक का डिस्काउंट है ठीक है तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं अगला सवाल है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल तो निम्नलिखित में से कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है दोस्तों ठीक है आपको मालूम है कि कौन सा है दोस्तों Uh, ये है पार्ट फोर कौन सा दोस्तों पार्ट फोर आर्टिकल आप बात करते हो से लेकर के फिफ्टी वन तक है ना और कहाँ से लिया गया है सो दैट इज बोरो फ्रॉम द आयरलैंड तो ये आयरलैंड से लिया गया है तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू ऑल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यूनिफॉर्म सिविल कोड और चौथा है आपका प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ ठीक है प्रोडक्शन तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों और यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने पढ़ा होगा कि ये आपके आर्टिकल किस में परिभाषित है थे? ये है आर्टिकल 44 में ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है अगला सवाल है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज तो भारत के संविधान में भारत को किसके तौर पर परिभाषित किया गया अ यूनिटरी स्टेट अ यूनियन ऑफ स्टेट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विच वन इज राइट ठीक है सो so, इसमें से आपको जरा बताएगा कि राइट right आंसर क्या होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो तो आपने तो दो, दोस्तों पढ़ा होगा आर्टिकल वन क्या कहता है इंडिया दैट इज भारत बी द यूनियन ऑफ इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पार्ट वन भी यही है आपका ठीक है पार्ट वन भी आपका इसी के बारे में बात करता है ठीक है दूसरा आप देखते हो शेड्यूल वन तो आपकी जो अनुसूची है ना आपकी जो अनुसूची है पहली वो भी इसी के बारे में बात करती है ठीक है अगला सवाल है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था इसमें से सही आंसर क्या होगा और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दस यस छब्बीस नवम्बर उन्नीस सौ तो अभी आप पढ़ के आए थे ना संविधान दिवस तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे जो ऑब्जर्व करते हैं वो 26 नवंबर को ही ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था ठीक है अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी ठीक है सो दोस्तों जब इमरजेंसी आपकी लगेगी ना इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू तो नेशनल इमरजेंसी वॉर होगा या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या फिर आपका क्या होगा आर्म्ड रिवेलन ठीक है सशस्त्र विद्रोह दोस्तों ठीक है सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो इसमें से हमने एक पढ़ा होगा आर्टिकल कौन सा थ्री फिफ्टी एट और थ्री फिफ्टी नाइन जो कि इमरजेंसी सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं इमरजेंसी सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो सभी फंडामेंटल राइट right आपके खत्म हो जाएंगे सिर्फ दो को छोड़ करके कौन कौन से और एक है आपका आर्टिकल 20 और दूसरा है आर्टिकल 21 ऑल फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका कंटिन्यू रहेगा ठीक है अगला सवाल है लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन तो लोसार जो है ये निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है विच वन इज राइट ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है बुद्धिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है बुद्धिज्म इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है इंडियन रेलवे अर्न द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम ठीक है तो जरा बताइएगा कि भारतीय जो रेलवे होती है ये किस सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा अपना अर्न करती है रेवेन्यू सबसे ज्यादा अर्न करती है तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों याद रखिएगा मालगाड़ी की ढुलाई माल से ठीक है सो इसमें से आप जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे थ्री इज राइट ठीक है अगला सवाल है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताता है तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताने के लिए कौन सा है थ्री फोर्टी थ्री दोस्तों ठीक है तो ये याद रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेजेस की ठीक है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल शुरू हो जाता है थ्री फोर्टी थ्री से लेकर के कहां तक थ्री फिफ्टी वन तक अः uh, पार्ट कौन सा याद है याद रखिएगा इज दरजा पार्ट सेवनटीन ये पार्ट आपका सेवनटीन है ठीक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सेवेंटीन है और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक है और टोटल कितनी भाषाएं हैं सो आई होप यू एवरीवन नो अबाउट इट देर आर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और खासतौर से अगर कभी अग शेड्यूल के बारे में पूछा गया तो टोटल जो शेड्यूल पड़ती हैं वो कितनी पड़ जाती हैं टोटल शेड्यूल याद रखिएगा देर आर टोटल हाउ मैनी शेड्यूल देर आर टोटल सॉरी शेड्यूल एट, में तो आठवीं अनुसूची में है और बाकी आर्टिकल और ये सब तो आपको क्लियर ही ठीक है अगला सवाल पूछा गया सत्यमेव जयते मीन सत्यमेव जयते जो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है इसका मतलब क्या है मुंडोक उपनिषद मुंडोक उपनिषद सो so, विच वन इज राइट right? इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे ट्रुथ अलोन ट्रंफ ट्रू फेथ इन रेयर इज रेयर ट्रुथ इज डिवाइन ट्रुथ इज अ ट्रेजर ठीक है सो व्हिच वन इज राइट व्हिच वन इज करेक्ट इसमें से जो सही आंसर है याद रखिएगा दोस्तों कि ट्रुथ अलोन ट्रंप ठीक है सत्य की ही हमेशा जीत होती है किसकी जीत होती है हमेशा सत्य की ही हमेशा जीत होती है दोस्तों ठीक है अगला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज गोइंग टू होस्ट द समर ओलंपिक ऑफ इन ऑफ 2024 तो सन 2024 में होने वाले ग्रीस्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर करने वाला है बीजिंग साउथ कोरिया सिडनी या फिर पेरिस विच वन इज राइट तो इसमें से जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज ऑफ पैरिस इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ठीक है तो यही करने वाला है ना पेरिस क्योंकि इससे पहले 2020 में जो किए थे वो किसने किए थे जापान ने किए थे है ना और 2028 में अगर कोई पूछेगा 2028 में कौन करेगा तो दो हजार अट्ठाईस जरा बताइएगा दो में कौन करने वाला है तो लॉस एंजेलिस ना अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर वॉज द फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप इन इंडिया तो भारत में सबसे पहला स्टील प्लांट कहाँ पर सेटअप किया गया था विच वन इज राइट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ठीक तो है विच ऑप्शन इज करेक्ट तो बोकारो है जमशेदपुर है भद्रावती है या राउरकेला है विच वन इज राइट इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा और इसमें से जब हम लोग करेक्ट आंसर पे चलते हैं सो दैट इज ऑप्शन थ्री इज कर सेकेंड इज राइट ठीक है जमशेदपुर याद रखेगा इज करेक्ट ठीक है तो जमशेदपुर इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट नेपाल इन द लास्ट 18 ईयर तो पिछले 18 वर्षों में नेपाल जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे प्रतिभा देवी पाटिल ये तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद या एपीजे अब्दुल कलाम और इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर प्रणब मुखर्जी अगला सवाल देखिए दोस्तों तो यहाँ पर चल रहा है आपका सिलेक्शन उड़ान सेल ठीक है so, सो आई होप की पतंग पतंग आप लोग काफी उड़ा रहे होंगे और जब भी पतंग उड़ाएं तो थोड़ा सा पक्षियों का जरूर ध्यान रखें है ना तो अपनी तैयारी को भी उड़ान दें और इनरोल कर लें टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग कोर्सेज को है ना मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ और कूपन कोड इस्तेमाल करें दैट इज एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है अगला सवाल है कि वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट तो जरा बताइएगा कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपके कहां पर मिलते हैं तो इसको मन की आंखों से मिला देते हैं ये है आपकी मन की आंखें और यहाँ पे मिल गए तो देखो ये चला रहा है आपका वेस्टर्न घाट यहाँ पे आ गया और ये चला रहा है ईस्टर्न घाट और दोनों कहाँ पे मिल गए यहाँ पे तो ये जिस जगह पर दोनों का यहाँ पे मिलन हो गया और ये कौन सी आपकी दरिजा यस नीलगिरी ठीक है नीलगिरी की पहाड़ियां ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है कि द गवर्नमेंट इज प्रिपेरिंग द डेवल्यूशन इंडेक्स विच विल मेजर सोशल एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एट द तो पूछा गया है कि सरकार विचलन सूचकांक तैयार कर रही है जो लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण को मापेगा तो पंचायत लेवल पे, uh, uh, पे मापेगा ये ब्लॉक लेवल पे मापेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मापेगा या फिर ये स्टेट लेवल पर मापेगा सो विच वन इज राइट इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे करेक्ट आंसर क्या है इसमें से सो so इसमें से जो करेक्ट आंसर दोस्तों दैट इज ऑप्शन वन इज राइट पंचायत लेवल पर ठीक है तो ये याद रखेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम्स अंडर तो लघु वन उपज का स्वामित्व तो किसके अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत या फिर स्टेट गवर्नमेंट ठीक है so, सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों दैट इज अ ग्राम पंचायत ठीक है याद रखिएगा ओनरशिप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हम लोग बात कर रहे हैं किसके अंडर आ जाता है ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत आई होप कि आप सभी को मालूम है दोस्तों ठीक है कि, कि किसने में परिभाषित है आपका ठीक है ये हम लोग पंचायत सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपने पंचायत सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा आर्टिकल फोर्टी और पार्ट नाइन ठीक है सो ऑप्शन इज द राइट आंसर और सबसे पहले ग्राम पंचायत को अगर पूछा गया कि फर्स्ट इंप्लीमेंट बाय सबसे पहले ग्राम पंचायत को लागू करने वाला याद रखिएगा राज्य कौन सा था तो जरूर पढ़ के जाएगा दैट वॉज द मध्य प्रदेश ठीक है अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है गेहूं है मस्टर्ड है रबर है या फिर ऑयल सीड्स है फिर से देख लीजिएगा कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है गेहूं सरसों रबर या फिर ऑयल सीड्स और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री रबर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन स्टैब्लिश अंडर द आर्टिकल सो दोस्तों इसके लिए आपने पढ़ा होगा पार्ट नंबर एट फिफ्टीन पार्ट पार्ट नंबर फिफ्टीन है या फोर्टीन है हाँ पार्ट नंबर फोर्टीन है ये कहता है सर्विस अंडर बात करता है ये बोलता है सर्विस अंडर यूपीएससी यूनियन एंड स्टेट तो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट तो इसमें से जरा सही आंसर बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन वन इज राइट तो थ्री वन फाइव याद रखेगा यूपीएससी के बारे में बात करता है ठीक है थ्री वन फाइव यस दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरवन नेशनल पार्क ठीक है सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है वेस्ट बंगाल में तो दोस्तों देखो वेस्ट बंगाल में आप एक पढ़ते हैं जल्दपारा अभी आपने पढ़ा था जल्दपारा गोरुमारा ठीक है गोरुमारा बक्सा टाइगर रिजर्व और एक हम लोग पढ़ते हैं सुंदरवन डेल्टा ये सब आपने पढ़े हुए हैं ठीक है यस आयु सी क्लियर है ना यहाँ तक अभी जल्दबाजी नहीं है सब कुछ आसान से है सिंपल है है ना थोड़ा आप लोग भी अपनी गति बढ़ाइए है ना थोड़ा सा अपने अंदर डीजल डालिए इंजन डालिए और बढ़ा दीजिए एकदम थोड़ा स्पीड को थोड़ा सा तो स्पीड को गति को बढ़ाना होगा ना मित्रों ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैर इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर बिहार की बात करोगे तो आपको वाल्मीकि के बारे में पढ़ना पड़ेगा बिहार की बात करोगे तो आपको वाल्मीकि के बारे में पढ़ना पड़ेगा उड़ीसा की बात करोगे तो फिर तो आपके पास कौन से है भितर है ना और एक और हम लोग पढ़ते हैं कौन सा भितर के अलावा मुझे इस समय एक नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा उड़ीसा में और राजस्थान में केवला देव है रणथम्बौर है है ना ये हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान के चलिए अगला सवाल देखेगा दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट प्रोजेक एलिफेंट प्रोजेक जरा बताइएगा दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई सभी का कमेंट देख रहा हूं मैं डोंट वरी इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन यस सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर 1973 दोस्तों ठीक है 1973 अगला सवाल है दोस्तों पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट तो दोस्तों लोकपाल बिल भारत में सबसे पहले कब आया था इकहत्तर सड़सठ बहत्तर अड़सठ सो दोस्तों ये सबसे पहले आया था उन्नीस में और आपको मालूम है कि जो सबसे पहले लोकपाल बिल मतलब आपने पढ़ा होगा सबसे पहले लोकपाल जो बनाए गए थे आपने वो पढ़ा होगा जस्टिस पीसी घोष के बारे में कि जो पिनाकी चंद्र घोष साहब थे ये सबसे पहले हमारे बनाए गए थे आ, एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड और स्टेट लेवल पे आपका होता है लोकायुक्त आपने पढ़ा होगा कि स्टेट लेवल पे कौन होता है लोकायुक्त और सबसे पहले लोकायुक्त बनाए गए थे आपके कौन से तो लोकायुक्त के बारे में अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे पहले आया महाराष्ट्र में और लोकपाल बिल आया सबसे जो है वो सबसे पहले जस्टिस बनाए गए पीसी घोष ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया तो सबसे ज्यादा ड्राई प्लेस कौन सा है रायचूर दो आब है अनंतपुर है जैसलमेर है गुलबर्ग है या फिर आपका ड्राई वेस्ट भी बता दीजिएगा और इसके अलावा वेटेस्ट भी बता दीजिएगा ठीक है वेटेस्ट प्लेस तो सबसे ज्यादा नमी वाला क्षेत्र कौन सा है और सूखा क्षेत्र कौन सा है तो देखो जो पर रेन रेन होगी वो सबसे सूखा होगा। तो पे मिलती है? जैसलमेर ठीक है तो क्लियर सी बात है जैसलमेर हो गया अब वेटेस्ट प्लेस जरा बताइएगा वेटेस्ट प्लेस आप किसको टिक करेंगे वेटेस्ट प्लेस में याद रखिएगा अब अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो टिनसुकिया और ये है आसाम का जो सबसे ज्यादा वर्षा रिसीव करता है रिसीव मोस्ट रेनफॉल रिसीव मोस्ट रेनफॉल तो पहले आप पढ़ते थे मासीन राम मेघालय और चेरापूंजी पहले आप किसको पढ़ते थे मासीन राम मेघालय और चेरापूंजी वाला एरिया अब जो है याद रखिएगा ये कौन सा आ चुका है दर इज अ टिनसुकिया आसाम का टिनसुकिया आसाम का दोस्तों ठीक है टिनसुकिया आसाम का ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाई विच द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्ट लिस्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ठीक है सो एजुकेशन जो है अब कॉन लिस्ट में जा चुका है क्योंकि कॉन्ट लिस्ट में आपके सब्जेक्ट की विषयों की संख्या हो चुकी है फिफ्टी और स्टेट लिस्ट में विषयों की संख्या हो चुकी है सिक्सटी और ये जो संशोधन हुआ था ये था आपका बयालीसवां संशोधन दोस्तों ठीक है याद रखिएगा तो आपने सेवन शेड्यूल पढ़ी हुई है कि जो सातवीं अनुसूची है सातवीं अनुसूची में याद रखिएगा आपकी तीन लिस्ट हैं जिसमें आप एक यूनियन पढ़ते हैं एक स्टेट पढ़ते हैं एक कॉन्करेंट तो यूनियन में सौ विषय हैं स्टेट में आपके सिक्सटी वन विषय हैं और कॉन्करेंट में आपके फिफ्टी टू है ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है जायरा कांगो है अमेजन है नाइल है और नाइजर है सो so, इसमें से सही आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा विच वन इज राइट ठीक है तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखेगा दैट इज जायरा इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है कि जो लाल दोमट मिट्टी है ये इसमें किसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है कैल्शियम की पोटास की नाइट्रोजन की या फिर आयरन ऑक्साइड की और इसमें से जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा दोस्तों आयरन कंटेंट ठीक है तो आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी का जो रंग रेड होता है रेड होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाना ठीक है आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाना ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि वेयर आर द दूध धारा एंड क्या लिखा गया है दुर्ग धारा झरना कहां पर मिलेगा तो ये मिल जाएगा जब आप कहां पर जाओगे अच्छा इसमें तो अलग ही है सतना पन्ना अनूपपुर सीधी तो ये तो आपको मिल रहे हैं कहां पर एमपी में सो तो दोस्तों ये मिलेगा आपको कहां पर अनूपपुर में लेकिन अगर आपको मिल गया दूध सागर दूध सागर वाटरफॉल का भी पूछा गया तो फिर आप किस ऑप्शन में जाएंगे दूध सागर वाटरफॉल पूछ लिया गया तो हाँ, तो ये याद रखिएगा ये पूछा गया तो आप फिर जाएंगे दोस्तों कहां पर गोवा में ठीक है अगला सवाल है वाट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है ठीक है कि इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटर प्रोटेक्शन टू ह्यूमन राइट टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन टू एस्टेब्लिस ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन इन द स्टेट या ऑल ऑफ दी विचवन इज राइट तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओके okay. तो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दर इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट तो सभी के सभी याद रखियेगा इसमें कथन दिए गए सही है मानव संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ तिरानबे में आया बेटर प्रोटेक्शन टू ह्यूमन राइट तो मनुष्यों के अधिकारों को सुरक्षित करना पहला ऑप्शन है ठीक है दूसरा है मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करना और तीसरा है राज्यों में मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करना अगला सवाल है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द ग्राम सभा तो ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है इट इज अ परमानेंट बॉडी तो यह एक स्थायी निकाय नहीं है यह भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा चाहेगा और इसमें से जो सही ऑप्शन जाएगा वो है तृतीय यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है ठीक है अगला सवाल पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिप इन इंडिया तो भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो पोत कारखाना है ये कहां पर मिलता है कोलकाता में आपको मिलता है कोचिन में मिलता है मुंबई में मिलता है या फिर विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा पोत कारखाना और इसमें से जो सबसे बड़ा पोत कारखाना मिल जाता है वो मिल जाता है दोस्तों कोचिन में ठीक है अगला सवाल है द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएगा मनीला में अगर आपको याद हो तो कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करने गए थे यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स उन्होंने बात बात की उसका वीडियो भी पब्लिश किया फोटो वगैरह भी उन्होंने अच्छी अच्छी खिंचवाई इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है तो फिलीपींस में आपको याद रखेगा ये ये भी मिल जाता है साथ में एडीबी का भी हेडक्वार्टर मिलता है एडीबी आप पढ़ते हैं ना एशियन डेवलपमेंट बैंक ठीक है तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा और अगर हाँ अब कभी इंडिया में पूछा गया तो यस इंडिया, तो इंडिया का अगर आपको पूछा गया तो याद रखेगा इंडिया में जो है वो कहां पर है उड़ीसा में ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी तो टेक्सोनॉमी के फादर कौन है हा लितियस है और uh, थियोफ्रेटस है है ना या लेमार्क है विच वन इज राइट तो इसमें से अगर आप सही आंसर करेंगे सो दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन इज राइट ठीक अगला सवाल है कि इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा निर्माण करते हैं ठीक है थीके? इसका निर्माण कौन करते हैं गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्रा ये दो तो क्लियर करते हैं दोस्तों और इसको हम लोग क्या, लो क्या बोलते हैं अमेजन ऑफ ईस्ट इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लास्ट तो मुगल एम्प्रायर ऑफ इंडिया तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था बहादुर शाह द्वितीय अकबर दौलत राव सिंधिया या आलमगीर द्वितीय तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बहादुर द्वितीय आपने पढ़ा होगा जिसको जफर भी हम लोग बोलते थे और अठारह की क्रांति में दिल्ली से इन्होंने लीडरशिप भी बोली थी सहसाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया था बाद में इनको अंग्रेज अरेस्ट करके भेज देते हैं रंगून और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में ठीक है चलिए अगला सवाल है दोस्तों पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है ये ठीक है तो जरा बताइएगा ऑपरेशन फ्लड तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा इसमें वीजी कुरियन के बारे में वर्गीस कुरियन जिनको हम लोग क्या बोलते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ठीक है तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन इज राइट मिशन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द डेयरी सेक्टर ठीक है सो ऑप्शन इज राइट अगला सवाल है कि हु द पोलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे महादेव गोविंद राणाडे थे महात्मा गांधी थे गोपाल कृष्ण गोखले थे और चित्ररंजन दास थे तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है चित्रंजन दास इसमें हम लोग करेक्ट आंसर टिक करते हैं चित्ररंजन दास सी आर दास होंगे दोस्तों है ना जो 1922 में आप बोलोगे कि आईएनसी के गद, जो गया अधिवेशन था उसमें भी ये इन्वॉल्व थे और दूसरा याद रखिएगा साथ में स्वराज पार्टी तो आपने पढ़ी होगी स्वराज पार्टी से भी ये एसोसिएटेड थे, थे दोस्तों ठीक है स्वराज पार्टी तो महादेव गोविंद राणाडे याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे महात्मा गांधी के ये अच्छे से पढ़ के जाएगा एम जी राानाडे वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ एम के गांधी एंड सी आर दास वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस ठीक है अगला सवाल है <laughs> अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है मतलब आप लोगों का चैट सेक्शन में भी एक अलग ही वॉर चलता रहता है ना सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दोस्तों ये सी है लेकिन अब सी एसओ एस नहीं रहा ये हो चुका है एन तो आप इसको क्या टिक करेंगे नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यस अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड सो दोस्तों इसमें आपको याद रखना पड़ेगा लॉर्ड मायो को है ना लॉर्ड मायो तो लॉर्ड मायो ने बोला कि भाई साहब चलो सबसे पहले गिनती करते हैं हम लोग जनसंख्या की कितनी है और ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी अठारह में फिर उन्होंने बोला कि चलो हमने गिनती तो कर ली है अब जनसंख्या का, का काउंटेशन रेगुलर कर देते हैं और अठारह सो इक्यासी से रेगुलर हो गया है ना और अभी हाल ही में हुआ था आपका कब तो 2021 में हुआ था अब इसका डाटा आएगा और डाटा आने से पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए क्योंकि जब भी डाटा आएगा तो बहुत सारे फैक्ट नए बदल जाएंगे ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन वन इज सेकंड इज द राइट आंसर रेगुलरिटी पूछ रहा है ठीक है कि रेगुलर बेसिस पे कब से होना शुरू हुआ और अदरवाइज सबसे पहले शुरू कब हुआ था तो अठारह था ठीक है अगला सवाल है यहाँ पर डूरंड लाइन बाउंड्री लाइन है किसके बीच में भारत पाकिस्तान तो नहीं भाई साहब भारत पाकिस्तान के बीच में तो आप रेड क्लिप पढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे या तो आपको रेड क्लिप मिलेगी ईरान पाकिस्तान का कोई संबंध है ही नहीं है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान बिल्कुल आप कह सकते हैं डूरंड लाइन है दोस्तों है ना तो नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन थ्री अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो माइका का सबसे बड़ा या प्रमुख उत्पादक है भारत है यूएसए है ब्राजील है या चाइना तो इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है चाइना ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है ये सबसे बड़ा याद रखेगा प्रोड्यूसर है माइका का इंडिया में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में काफी मिलेगा कभी अगर आपको इंडिया में पूछा गया तो इंडिया में कोई बता सकता है विच स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका एनी वन भारत में कौन सा राज्य है जो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है वो सर क्रीक लाइन बोलते हैं हम लोग राजेश है ना वो आपके गुजरात और जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ उसको क्रीक लाइन सर क्रीक लाइन बोलते हैं कभी इंडिया में पूछा गया तो आप आंध ठीक है हाँ आंध्र प्रदेश को टिक करने जाएंगे ठीक है अगर आपको इंडिया में पूछा गया तो आंध्र प्रदेश को टिक करने जाएंगे <laughs> चलो ठीक है हाँ चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन तो कश्मीर की घाटी आपको किसके बीच में मिलेगी विच वन इज राइट ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है विच ऑप्शन इज द राइट आंसर जिसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज राइट चलो दोस्तों तो काफी सारे लोग लगता है धीरे धीरे जागते जा रहे हैं संडे को और संख्या बढ़ती चली जा रही है ठीक है तो मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था कि संडे को सेशन है मॉर्निंग नाइन ए एम पर आएगा और ये सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो आंधी हो तूफान हो बारिश हो स्टडी कर रहे हो प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल टाइम के साथ आइए है ना बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर के आऊंगा दोस्तों तो बिल्कुल पीर पंजाल और जस्कर रेंज याद रखेगा यहाँ पे मिल जाएगी आपको कौन सी कश्मीर ठीक है सो दैट इज ऑप्शन आपने पढ़ा होगा ना ट्रांस हिमालय जब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में तो फिर आप इसके बारे में पढ़ते होगी ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं तो इसके बारे में पढ़ा होगा सबसे पहले काराकोरम पढ़ते हैं फिर लद्दाख पढ़ते हैं फिर जस्कर पढ़ते हैं ठीक है अगला सवाल है रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास इन द कांग्रेस सेशन ऑफ सो दोस्तों सबसे पहले आती है नेहरू रिपोर्ट उन्नीस में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट को लेकर के आ जाते हैं अंग्रेजों को बोलते हैं दोस्तों कि भाई साहब मान जाओ और इसी को हमारा संविधान डिक्लेयर कर दो उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी तो अंग्रेज उसको स्वीकार नहीं करते हैं नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर देते हैं नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद आईएनसी का सम्मेलन होता है लाहौर में और यहां पर बोला जाता है सड्डा थे रख यानी कि हम सब मांगे पूर्ण स्वराज ठीक है सो पूर्ण स्वराज का जो स्लोगन दिया गया था वो आईएनसी के लाहौर कॉन्फ्रेंस में दोस्तों ठीक है अगला सवाल पूछा जाता है और ये तो आपको मालूम है कि लखनऊ सेशन ये आईएनसी और मुस्लिम लीग की यूनिटी के लिए प्रसिद्ध था यहां से आपकी स्वराज पार्टी का उद्गम होता है और 1928 में आपको मालूम होगा कि यहां पे नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत होती है नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत होती दोस्तों। है ठीक है नेहरू रिपोर्ट अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि विच वॉज कॉन्सिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको माना जाता है मैग्ना कार्टा अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो है आपका ऑप्शन तीन याद रखिएगा वुड्स डिस्पैच ऑन 1854 इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आता है और ये भारत में याद रखिएगा शिक्षा के एक बहुत आधार स्तंभ के तौर पर माना जाता है मैकाले याद रखिएगा शुरुआत करते हैं और इंग्लिश को हमारी शिक्षा में एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज बनाने की बात करते हैं ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि यू एन वॉज फॉर्मड इन द ईयर ऑफ तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ किस वर्ष में किया गया था इसमें से आप किस ऑप्शन पर टिक करने जाएंगे ऑप्शन इज राइट तो 1944 है 1945 है 1947 है 1945 1947 या 1949 और इसमें से जो करेक्ट आंसर आपने सभी ने पढ़ा होगा ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को नाइनटीन फोर्टी फाइव को हम लोग यू डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है मारियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द ओशियन सो मारियाना की खाई कहां पर पाई जाती है मारियाना की खाई उसी ओशियन में पाई जाती है जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा गहरा है हाँ आज की मास्टर क्लास साढ़े ग्यारह बजे साक्षी यस यू कैन अटेंड द मास्टर क्लास एट इलेवन थर्टी एम ठीक है सो मारियाना की खाई सबसे डीपेस्ट सबसे लार्जेस्ट ओशियन में पाई जाती है और ये जो सबसे डीपेस्ट सबसे लार्जेस्ट ओशियन है दैट इज अ पैसिफिक ओशियन ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट अगला सवाल है वैन वॉज द यूनाइटेड चिल्ड्रेन फंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड ठीक है यू यूनिसेफ वॉज फॉर्म तो यूनि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी 1952 46 43 या फिर 58 सो so इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर 1946 ठीक है 46 इज द राइट आंसर अगला सवाल है सवाइल इज रिच इन सरफेस एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो मिट्टी कार्बनिक प्रताप्त पदार्थों के संचय कार्बनिक पदार्थों के सतह संचय में समृद्ध है वो कौन सी है इसका जो, जो right करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन द राइट आंसर डोंट वरी ठीक है आप आंसर करते रहिए और थोड़ी देर के बाद मैं सब लोगों के आंसर रोक दूंगा और सिर्फ आप ही को आंसर करने होंगे तो सबसे पहले कुछ ऐसा मैं बोलूंगा टेस्ट बुक की टीम से कि कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करे जिसमें सबसे पहले आप आंसर करें उसके बाद ये लोग आंसर कर पाए बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इनका आंसर कॉपी किया हुआ है ठीक है <laughs> चलिए अगला सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वन इज राइट तो ऑप्शन फोर होगा फाइव होगा सो so दोस्तों देखिये ये जो फिफ्थ होता है ये यूनियन के बारे में बात करता है गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल ये बात करता है डीपीएसपी के बारे में है ना और ये बात करता है गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल है ना दोस्तों है ना और दूसरा पूछा गया है तीसरा कौन सा ये आपका देट इज अ फंडामेंटल राइट तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है दोस्तों ठीक है फंडामेंटल राइट है आपके सॉरी बारह से लेकर के कहाँ तक पैंतीस तक और स्टेट आपका जाता है कहाँ से वन 2 से लेकर के कहाँ तक पहुँचा दें इसको टू तक चला जाएगा डी आपका चला जाता है छत्तीस से लेकर के कहाँ तक इक्यावन तक और यूनियन चला जाता है आपका बावन से लेकर के कहाँ तक वन फिफ्टी वन तक ठीक है तो ये आपके आर्टिकल्स हो गए तो ऑप्शन यस सेकेंड इज द राइट आंसर और डीपीएसपी लिया गया है कहाँ से आयरलैंड से ठीक है अगला सवाल है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रहदेश्वरा मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों बृहदेश्वर मिल जाएगा आपको तंजौर में है ना और ये लार्जेस्ट याद रखेगा टेम्पल है बहुत हाईएस्ट आपको इसमें ऊंचाई मिलेगी तंजौर में मिलेगा और द्रविड आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है चोला डायनेस्टी के समय में बनाया गया था फिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है राजेंद्र चोला प्रथम इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि राजगीर डांस फेस्टिवल जो है ये अटेस्ट टू वाइड पॉपुलरिटी ऑफ क्लासिकल डांसेस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता से संबंधित है जो निम्नलिखित राज्यों से जुड़ा हुआ है तो राजगीर जो जुड़ा हुआ है दोस्तों याद रखेगा ये किससे बिहार से ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट ठीक है बिहार से राजगीर इसकी कैपिटल भी होगी आपने पढ़ा होगा ना मगध के बारे में तो अगर आपने मगध के बारे में पढ़ा है तो इसकी कैपिटल भी पढ़ी होगी गृहवरेज ग्रि, या फिर राजगीर ही रही थी ठीक है अगला सवाल है पूछ रहा है बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है जो बनवाई थी औरंगजेब ने ठीक है तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाई थी ये और इसको हम लोग बोलते हैं ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है दोस्तों और आप कह सकते हैं इट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल तो ये बनवाई गई थी रबिया उद्दौरानी की याद में रबिया उद्दौरानी याद रखिएगा और ये कहां पर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में ठीक है सो दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है लखनऊ में नहीं मिलेगी ये मिलेगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में लखनऊ में मिल जाता है आपको बड़ा इमाम बाड़ा छोटा इमाम बाड़ा ठीक है तो ये आपको औरंगाबाद में मिलता है तो और, औरंगजेब की मस्जिद और साथ में उसकी पत्नी रबिया उद्दौरानी की मस्जिद दोनों का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है अगला क्वेश्चन है कि हु इज एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम तो जरा बताइएगा कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ड्राफ्ट बोलते हैं क्लॉज बोलते हैं रिकॉर्ड बोलते हैं या सेंसस बोलते हैं जी हाँ औरंगाबाद जिसको पहले कभी देवगिरी के नाम से जानते थे फिर तुगलकाबाद दौलताबाद हुआ दौलताबाद से आपका औरंगाबाद हुआ औरंगाबाद से संभाजी नगर तो बहुत बार नाम बदला गया है इसका देवगिरी फिर तुगलकाबा दौलताबाद फिर आपका औरंगाबाद और उसके बाद संभाजीनगर ठीक so, right है सो राइट आंसर ऑप्शन फोर सेंसस इज द करेक्ट ऑप्शन अगला सवाल है पूछा गया है कि आपका जो सिंकोना ट्री है प्राइमरली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछा गया है वेजिटेशन तो सिंकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति के हैं ठीक है सो so, इसका जो right करेक्ट right आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगले सवाल में हम लोग चले उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं शायद आप भूल गए हो कि आज दोस्तों चल रही है सिलेक्शन की उड़ान सेल तो आप लोग भी अपने सिलेक्शन को उड़ान दे सकते हैं है ना बस याद रखिएगा उतनी उड़ान देना है कि इसकी रस्सी आपके हाथ में बनी रहे ऐसा ना हो कि धागा टूट जाए तो जो भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज हैं उस उसपे हाइएस्ट डिस्काउंट चल रहा है और यूज कर सकते हैं कूपन कोड एस एच आई वी के टी टू गेट द एडिशनल डिस्काउंट तो 90 परसेंट तक का डिस्काउंट है और सारे कोर्स आपके लिस्ट प्राइसेस में अवेलेबल है ठीक है अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है विच वन इज द राइट आंसर ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है ठीक है यस सर सर हर्षराज बिल्कुल रिकॉर्डेड देख लीजिएगा ठीक है तो दोस्तों देखिए भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाएं कितनी मिलेंगी बाईस ही मिलेंगी ना तो भाषाएं आपने पढ़ी हुई हैं कि पहले जो भाषाएं थी वो आपकी कितनी थी आपने पढ़ी थी चौदह फिर आपकी पंद्रमा आई जो है सिंधी फिर उसके बाद तीन जुड़ी मणिपुरी कोकनी नेपाली और उसके बाद चार जुड़ गई बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली और इस तरीके से टोटल जो लैंग्वेज हो जाती हैं आपकी तो टोटल अगर हम लोग लैंग्वेजेस देखेंगे तो कितनी हो गई ट्वेंटी टू ठीक है अगला सवाल है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिन एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन अ फूड चेन तो किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता है बायो uh, ड्यूल्यूशन है बायो सिंथेसिस है बायो मैग्निफिकेशन uh, है और बायो सॉल्यूशन है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन थ्री इज राइट दैट इज अ बायो मैग्निफिकेशन ठीक है अगला सवाल है कि इज रिलेटेड टू फुटबॉल तो निम्नलिखित में से क्या फुटबॉल से संबंधित है सो so, दोस्तों रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हुई है दुलूप ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी एक ही है संतोष ट्रॉफी जो आपकी किससे जुड़ी हुई फुटबॉल से ठीक है दैट इज इज ऑप्शन सेकंड राइट तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी हुई है और अभी तो भारत में हॉकी का वर्ल्ड कप भी चल रहा है आपने पढ़ा होगा कि भारत ने स्पेन को पराजित कर दिया उड़ीसा होस्ट कर रहा है हॉकी वर्ल्ड कप अगला सवाल है कि द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ड बिटवीन तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किसके किसके बीच में हुई थी बाबर लोधी अकबर हेमू और अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों उस समय तो अली राजा हुए ही नहीं होंगे ठीक है अकबर लोधी तो अकबर लोधी का कभी कोई सामना नहीं हुआ ये भी कोई सामना नहीं हुआ अकबर हेमू में हुई थी सेकेंड पानीपत तो ये आप जो पढ़ते हो ये द्वितीय पानीपत की लड़ाई थी और ये हुई थी आपकी कब पंद्रह सो में बाबर लोधी की बात करोगे तो ये आप फर्स्ट पानीपत बोल सकते हो ठीक है तो ये फर्स्ट पानीपत बैटल था और ये हुआ था आपका कब पंद्रह सो छपन छब्बीस में और इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है ठीक है अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों विच अमंग फॉलोइंग क्या पूछा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनद आर्धभ भूमि है कश्मीर में नीलनाग हिमाचल में चंद्रताल, त्रिपुरा में रुद्र और मणिपुर में लोकटक तो ये है दोस्तों आपका कौन सा चंदरताल इन हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों और आप सभी को मालूम है कि जब ही भी हम लोग बात करते हैं सेकेंड फैब की तो सेकेंड फैब आने वाला है नेक्स्ट मंथ में और ये है आपका कौन सा वेटलैंड डे ठीक है so, सो वेटलैंड डे दोस्तों जरूर पढ़ के जाएगा भूमि क्षेत्र और भारत में इंडिया में अभी तक जो टोटल वेटलैंड साइट हो चुकी है यानी कि रेमसर साइट हो चुकी है वो कितनी है पचहत्तर तो सबसे बड़ी है आपकी सुंदरवन सबसे छोटी है रेणुका सबसे पहली आपकी केवला देव और चिल्का और अभी सबसे ज्यादा ओपन की गई है तमिलनाडु में और उसके बाद यूपी में दोस्तों ठीक है अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन में पूछा रहा है पूछ रहा है कि आर्टिकल 19 डी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डील्स सो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 19 में हर एक नागरिक को छह स्वतंत्रताएं दी गई हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है right फिर आपने पढ़ा होगा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट टू असेंबल टूगेदर पीसफुली राइट टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनादर पार्ट ऑफ द कंट्री ठीक है Uh, फिर आपने पढ़ा होगा राइट टू ऑक्यूपेशन है ना राइट टू सेटल एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ठीक है सो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी भाग पर ठीक है वो घूम सकता है ठीक है राइट टू मूव फ्रीली अगला सवाल है आपका कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज नॉट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एट कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया तो निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के आठ प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है आठ प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है ठीक है यस सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं ठीक है थीके? और जो जो शुभकामनाएं दे रहे हैं वो तिल के लड्डू भी साथ में भेज दें इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दैट इज अ माइनिंग मेटलर्जिकल ऑपरेशन एंड फार्मास्यूटिकल ऑप्शन फोर इज राइट अगला सवाल है कि भारत में ट्वेंटी थर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे So, सो दोस्तो, दोस्तों 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 अभी आ चुके हैं आपके ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फोर्थ हैं दैट इज आ राजीव कुमार साहब तो अभी राजीव कुमार साहब हैं मेघालय में चुनाव होने जा रहे हैं आपको मालूम होंगे ठीक है अच्छा ये सुनील अरोरा थे क्या तब तो भाई साहब देखना पड़ेगा यहाँ पे ट्वेंटी फोर्थ नहीं है फिर तो ये ट्वेंटी फिफ्थ होंगे इज आर ट्वेंटी फिफ्थ तो ये अब ट्वेंटी फिफ्थ हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद आए हैं सुशील चंद्रा सुशील चंद्रा तो ये ट्वेंटी फिफ्थ है याद रखिएगा है ना राजीव कुमार साहब तो सबसे पहले तो सुकुमार सेन फिर अभी राजीव कुमार राजीव कुमार से पहले सुशील चंद्रा सुशील चंद्रा से पहले सुनील अरोरा हाँ अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज नॉट हैपेंड इंडो पाक वॉर तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं हुआ था सो दोस्तों पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था उन्नीस में क्योंकि उस समय पाकिस्तान का जन्म हुआ था ना पाकिस्तान वॉज बॉर्न पाकिस्तान कह सकते हैं कि बिल्कुल बच्चा था बेबी था एक समय और फिर बाद में इसने एक गाना सुन लिया कि जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था और इसके बाद इसने शरारतें शुरू कर दी तो दोस्तों इसमें से अगर आप देखोगे तो बासठ जो है 1962 ये इंडो चाइना वॉर है ये इंडो सिने वॉर भी बोलते हैं या इंडो चाइना वॉर बोलते हैं दोस्तों है ना तो पाक के साथ जो खास तौर से युद्ध हुए हैं वो आप 65 में पढ़ते हो और 1971 में पढ़ते हो और 1999 में, में पढ़ते हो दोस्तों ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन याद रखिएगा बी तो ये चाइना वॉर है है ना और सबसे पहली इमरजेंसी इसी समय लगाई गई थी 62 में अगला सवाल है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया ठीक है तो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है यस बिल्कुल आसूपाल जब आप करिएगा बताइएगा हमें भी हम भी चलेंगे और वैसे भी उसकी हालत खराब है वॉर करने की जरूरत भी नहीं है वो बेचारा अपने आप में ही परेशान है तो गुजरात रीजन होगा तमिलनाडु रीजन होगा वैली ऑफ कश्मीर होगा या फिर अपर आसाम प्लेन्स होगा और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज तमिलनाडु रीजन इज द करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि वेयर इज जंग म्यूजियम इज लोकेटेड तो दोस्तों जंग जो म्यूजियम है कारखाना है ये आपको कहाँ पे मिलता है कानपुर हैदराबाद भोपाल या बेंगलुरु और इसमें से जो हम लोग सही आंसर टिक कर देते हैं वो कौन सा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट हैदराबाद इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन तो ये अभी आपने पढ़ा था कौन सा पार्ट नंबर है आपका सेवनटीन तो पार्ट नंबर सेवनटीन पढ़ डालिए जरा आर्टिकल कौन कौन सा हो जाएगा हम्म सो so, कश्मीर ये है थ्री फोर्टी थ्री से लेकर के कहां तक चले जाओगे दोस्तों थ्री फिफ्टी वन में इमरजेंसी और सत्र में लैंग्वेजेस ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो एक्सनेबल पूछा गया है रॉन्ग्स बैंक करप्टसी एंड इंसॉल्वेंसी प्राइस कंट्रोल या फिर हाँ तो जरा बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच वन इज राइट समवर्ती सूची कौन करेंट लिस्ट दोस्तों तो इसमें याद रखिएगा जो कैपिटेशन टैक्स है ये आपका इंक्लूडेड नहीं है है इसमें ठीक ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग द दीवान ए अमीर को ही सो so दोस्तों आपको मालूम था कि इट वॉज अ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इट वॉज इट वॉज एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोस्तों तो एक ये uh, कृषि विभाग था ठीक है कौन सा विभाग था ये कृषि विभाग था उसके बारे में बताया गया है तो अलाउद्दीन खलजी नहीं अलाउद्दीन खलजी ने आ, आपको मालूम है कि मार्केट रिफॉर्म किया था आर्मी रिफॉर्म किया था है ना ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म करता है फिरोज तुगलक तो ये भी नहीं है दोस्तों है ना वो लेकर के आता है अलग अलग डोनेशन डिपार्टमेंट दीवाने खैरात दीवाने बंदगान ठीक है तो गुलामों के लिए डिपार्टमेंट लेके आ जाता है डोनेशन के लिए डिपार्टमेंट लेकर के आ जाता है ठीक है सही आंसर एक वो व्यक्ति जिसको हम लोग सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं जिसका नाम था जूना खां जिसके समय में मोरक्को से इब्न बतूता आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है अगला सवाल है शार्पनेस ऑफ टेलीविजन इमेज इजम्प्ड एज इट कलर क्लैरिटी ग्राफिक्स या रेजोल्यूशन सो विच वन इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है तो जल्दी से बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यस yes, और जो भी लोग देख रहे हैं अभी लेट आए हुए हैं जिन्होंने सेशन को अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया सो फटाफट एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है सो दोस्तों आज पंद्रह जनवरी है और पंद्रह जनवरी को आप सबको सभी को मालूम है कि आज के दिन हम लोग अपना आर्मी दिवस भी मनाते हैं तो सभी को आर्मी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है, है ना सरदेश था चौथ था जामा था या फिर अब आप तो दोस्तों आप मराठों में ये दो टैक्स हैं जो बहुत कॉमन पढ़ते हैं एक सरदेश मुखी और एक चौथ लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड तो इसको हम लोग क्या बोलते थे दट इज ऑ चौथ याद रखेगा दटेजा चौथ ठीक है दट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाती है सो दोस्तों डिस्गाइड मिलेगी आपको एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं ना कि भाई साहब हमारे घर में कोई फंक्शन है या फिर कोई छोटा मोटा काम है तो थोड़ी बहुत मदद के लिए आ जाना और जब वो दोस्त आते हैं तो सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो मदद कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रहे होते इसी तरीके से कभी कभी फंक्शन में कुछ रिलेटिव भी होते हैं जो दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो मदद कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रहे होते तो उनका जो नेट वर्क होता है वो क्या होता है जीरो तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नेट प्रोडक्शन जीरो हो जाए

Uh, सामवेद में ऋग्वेद में यजुर्वेद में या अथर्ववेद में ठीक है विच वन इज राइट तो इस क्वेश्चन का आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मित्रों दैट इज अ ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है ऋग्वेद इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या थी एमस्टरडम थी वियना वारसावा या फिर कैनबरा ठीक है सो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा और इसमें से जो सही आंसर है दैट इज एम स्ट्रेडम इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है दैट इज ऑप्शन वन इज राइट यस प्रियंका जी वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है अंगला सवाल पूछा जा रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर इन इंडिया दोस्तों देखो गन पाउडर का अगर आप देखोगे ना पहली तरीके से इस्तेमाल जो है ना ये पोर्तुगीज बहुत बड़े लेवल पे भारत में लेकर के आए और पोर्तुगीज के जो अच्छे रिलेशन थे वो थे कृष्णदेव राय के साथ तो कृष्णदेव जो राय था ना याद रखेगा माना जाता है कि इसने भी काफी हद तक उस समय गन पाउडर या तोपों का गोला बारूद के बारे में इनको इसको जानकारी मिल हो चुकी थी लेकिन प्रॉपर तरीके से जो युद्ध में शुरू किए गए वो किए गए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में तो जो पहला बैटल हुआ फर्स्ट आप बोलेंगे बैटल ऑफ पानीपत तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ इसमें सबसे पहली बार याद रखिएगा इसका इस्तेमाल किया गया तो इसमें से अगर आप जाएंगे तो कौन सा टिक करेंगे बाबर तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है सो यस ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कैपिटल सिटी ऑफ द मणिपुर तो मणिपुर की राजधानी बताइएगा आईजोल आई है सिलोंग है अगरतला है या इम्फॉल है सो मणिपुर आई होप की जब बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर और अभी हाल ही में मणिपुर ने एक याद रखेगा संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था सो so, संगाई फेस्टिवल काफी प्रसिद्ध रहता है मणिपुर में ये जरूर पढ़ के चले जाइएगा और बाकी आप लोकटक तो पढ़ते ही हैं लोकटक भी पढ़ के चले जाएगा और दूसरा कौन सा कीबुल लाम जाओ कीबुल लाम जाओ नेशनल पार्क जो इसका पूछा जाता है दोस्तों ठीक है अगला सवाल है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ तो भारतीय मानक समय क्या है भारतीय मानक समय देखिए दोस्तों तो ये गुजरता है आपके कालीन भैया के शहर से कालीन भैया का शहर आपका पड़ता है मिर्जापुर तो ये मिर्जापुर से गुजरता है तो ये देखो गुजर रहा है मिर्जापुर से और ये है आपका एट्टी टू वन बाई टू डिग्री कितना ईस्ट है ना और पांच स्टेट से गुजर जाता है दोस्तों है ना भारत के पांच राज्यों से ये गुजरता है और उसमें से कौन है प्रयागराज बोलोगे तो ठीक है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर तो इलाहाबाद प्रयागराज या मिर्जापुर ठीक है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है अब इसमें आपको मैच द कॉलम बताना है बहुत ही बेहतरीन सवाल विष्णुवर्धन अमोघ वर्ष महेंद्र वर्मन राजेंद्र ठीक तो है चोला राष्ट्रकुटा होशल या पल्लवा, तो द कॉलम देखिए और ट्राई करिए आंसर करने का मैं इस अब थोड़े से इसको हाइड कर देता हूं सो so दैट आप इसको आसानी से देख पाएंगे चलो दोस्तों अभी हाइडेड है अब आंसर करो हाँ अभी ख्याति दिख रहे होंगे है ना वन है टू है थ्री है या फिर फोर विच वन इज राइट आंसर दोस्तों ठीक है so, देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे वो है ऑप्शन वन दोस्तों तो जो राजेंद्र आपने पढ़े होंगे राजेंद्र ठीक है आदित्य राज राजा ये किससे हैं चोला डायनेस्टी से तो वन जा रहा है डी के साथ महेंद्र वर्मन पढ़ते हो आप किससे पल्वा से नरसिंह वर्मन नरसिम वर्मन प्रथम ठीक है महेंद्र वर्मन पलवा डायनेस्टी आपको मिलेगी है ना अमोघ वर्षा जो बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूटा से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी ठीक है और लास्ट बच गए आपके विष्णुवर्धन होशल डायनेस्टी से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला सवाल यस yes. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है ठीक है सो विच वन इज राइट क्रिमिनल प्रोसीजर इलेक्ट्रिसिटी आर्कोलॉजिकल साइट और पब्लिक ऑर्डर दोस्तों याद रखिएगा जो पब्लिक ऑर्डर है सूची में शामिल नहीं है दोस्तों ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर पब्लिक ऑर्डर ठीक है अगला सवाल है कि द वर्ल्ड ड्राइएस्ट डिजर्ट दोस्तों जरा बताइएगा सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट कौन सा है थार है सहारा है गोभी है या अटकामा है और ये जो पड़ता है ये कौन सा है अटकामा ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज कॉमनली यूज फॉर ब्रिक तो इसको ब्रिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों ये कौन सी होती है ठीक है तो ब्रिक्स वाइल मतलब अगर आप देखने जाए तो याद रखिएगा इसमें एक कॉमन फिनोमिना होता है लीचिंग आप एक कॉमन फिनोमिना इसमें पाएंगे दैट इज अ लीचिंग फिनोमिना और ये है आपकी लेटेराइट ठीक है दैट इज नोन एज द लेटेराइट ब्लैक को तो आप बोलते हैं दोस्तों याद रखिएगा कॉटन बोलते हैं है ना और इसको आप रेगोर भी बोल देते हैं रेगोर सो राइट आंसर ऑप्शन फोर ठीक है अगला सवाल है द बुक लॉकडाउन लेशंस लेर्ड बाई द डे एंड पब्लिश बाय तो जैको पब्लिशिंग हाउस है हार्पर कोलिंस है साइमन एंड uh, क्या है सोस्टर सू, uh, है अरिहंत ठीक है विच ऑप्शन इज राइट सो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज एंड हाँ सुस्टा ठीक है ऑप्शन थ्री इज़ करेक्ट अगला सवाल है द आगा खां पैलेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो महाराष्ट्र होगा है ना और उत्तर प्रदेश हो जाएगा केरला हो जाएगा या मध्य प्रदेश हो जाएगा ठीक है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दरेजा महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है तो आगा खां पैलेस यहीं पर मिल जाएगा अजंता एलोरा तो एक्चुअल में इसकी जो लोकेशन है ये पड़ता है पुणे में और पुणे में कभी आप आएंगे तो जो पुणे का मुख्य रेलवे स्टेशन है उसी के पास आपको आगा खा पैलेस मिल जाएगा दोस्तों है ना सो ऑप्शन इज राइट अगला सवाल पूछा गया है कि साइट्स इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन तो साइट्स एक अंतरराष्ट्रीय संधि है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स या नन ऑफ द अब तो इसमें से सही आंसर क्या है और इसमें से दोस्तों जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करते हैं दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो करेक्ट आंसर होगा थ्री ठीक है दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स अगला सवाल है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ठीक है तो भारत का राष्ट्रपति होता है द हेड ऑफ स्टेट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द हेड ऑफ द पार्लियामेंट और द हेड ऑफ द जुडिशरी सो दोस्तों जो ये होता है ना हेड ऑफ द स्टेट होता है भाई है ना हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी आप इसको बोल देते हैं ठीक है तो ये याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है ये ठीक है नॉमिनल हेड कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का बट एक्चुअल हेड प्रधानमंत्री होता है तो ये राज्य का मुखिया होता है हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होता है याद रखेगा वो पीएम होता है दोस्तों याद रखेगा ठीक है इसका जो होगा वो सीजीआई होगा सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट का तो स्पीकर हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो ये इस तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है हु कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात छोड़ रही है तो देखो जब अपॉइंटमेंट होता है तो कौन करता है गवर्नर तो जब अपॉइंट करता है गवर्नर तो रिमूव भी कौन करेगा गवर्नर तो भाई जो नियुक्त करेगा वही तो हटाएगा जो नियुक्त करेगा वही हटाएगा नियुक्त कौन करेगा गवर्नर करेगा अच्छा नहीं नहीं ये थोड़ा सा हाँ पॉइंट अलग है यस यस अपॉइंट करता है दोस्तों याद रखिएगा गवर्नर और रिमूव कौन करता है प्रेसिडेंट हाँ ये थोड़ा याद रखिएगा थोड़ा सा इसमें एक दिमाग है दोस्तों कि इनको जो अपॉइंट करता है वो करता है गवर्नर है ना और रिमूव करने का अधिकार है प्रेसिडेंट को ठीक है यस yes. हाँ सही आंसर ऑप्शन वन है यस ऑप्शन वन है ऑप्शन में कोई गलती नहीं अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा सॉरी गवर्नर के द्वारा और रिमूवल होता है राष्ट्रपति के द्वारा अगर यूपीएससी के चेयरमैन होते और मेंबर्स होते तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के हाथ में लेकिन स्टेट में याद रखेगा कि अपॉइंटमेंट है गवर्नर के हाथ में लेकिन रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ठीक है तो ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा इसमें ब्लंडर मिस्टेक हो गई अगला सवाल है कि विच वॉज द हु वॉज द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट सो दोस्तों ये बनाई गई थी कहां कि भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी ये बनाई गई थी इन यूपी यूपी की सबसे पहले बनाई गई थी दैट इज ऑप्शन ठीक है थ्री इज द राइट आंसर सुचिता कृपलानी हाँ यस अगला सवाल है व्हाट द चेंजेस इन सीजन सो so, दोस्तों में परिवर्तन क्यों होता है तो ये है हमारे सूर्य भगवान और ये है पृथ्वी अब पृथ्वी आपको मालूम है कि अपनी एक्सेस पे भी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है तो दो चीजें हैं भाई पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों भी ओर भी घूम रही है एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन तो जब पृथ्वी रोटेट करती है तो याद रखिएगा दिन और रात होते हैं यानी कि डे और नाइट होते हैं और जब ये रिवॉल्व करती है घूमती है तो क्या होते हैं चेंज इन सीजन्स तो अगर कभी पूछा गया कि मौसम में परिवर्तन क्यों होते हैं तो होते हैं चेंज इन सीजन्स की वजह से और दिन और रात क्यों होते हैं तो वो होते हैं याद रखिएगा रोटेशन की वजह से तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ रेवोल्यूशन दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि टू होम डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट रिजिग्नेशन तो राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको देगा तो राष्ट्रपति रिजाइन करेगा किसको उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति रिजाइन करेगा राष्ट्रपति को तो ये वाइस वर्षा है है ना तो राष्ट्रपति को रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा और वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो किसको दे देगा राष्ट्रपति को दे देगा ये वाइस वर्ष होता है ठीक है अगला सवाल है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट तो चौवालीसवें संशोधन में हम लिखित में से किसको हटाया गया तो दोस्तों चवालीसवा संशोधन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हुआ राइट टू प्रॉपर्टी अब इसको लीगल राइट right बना दिया गया है ठीक है आर्टिकल थर्टी में इसको लीगल राइट right बना दिया गया दूसरा इसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका आर्म ड्रेवेलन एक वर्ड आ गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके आर्म ड्रेवेलन एक वर्ड आ गया था ठीक सो so इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज इज ऑप्शन राइट राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों ठीक है राइट टू एजुकेशन तो ये एड हुआ था ट्वेंटी ए और ये आपका एट्टी अमेंडमेंट था जो टू में आया ठीक है एट्टी अमेंडमेंट अगला सवाल पूछा जा रहा है कि अगला देखिएगा जरा लिस्ट वन और लिस्ट टू दिए गए हैं इसमें से आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है साइक्लोन्स हरिकेन टाइफून और विली-विली विली-विली ठीक विली। है ये विली-विली जो है दोस्तों ये चला जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से तो डी चला गया वन के साथ बहुत बढ़िया यानी कि सी और डी बाहर हो गए साइक्लोन मिलेंगे आपको इंडियन ओशियन में यानी कि वन चला गया थ्री के साथ तो वन चला गया थ्री के साथ यानी कि अभी और मेहनत करनी पड़ेगी आप बोल रहा है ताइफून आपको मिल जाएंगे दोस्तों कहां पर ये मिल जाएंगे आपको 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 किसमें साउथ चाइना सी में तो सी चला गया सेकंड के साथ यानी कि बिल्कुल आप टिक कर देंगे हम लोग ऑप्शन सेकंड को और एकदम मजबूती के साथ लॉक कर देंगे है ना और हरिकेन आ जाते हैं आपके अटलांटिक यानी कि यूएसए वाले भाग में तो एकदम इसको लॉक कर देते हैं और सेकंड ऑप्शन को लॉक कर दिया लॉक कर दिया चलिए सो so, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर अगले सवाल की ओर चलते हैं पूछा जा रहा है कि इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय सो दोस्तों हाई कोर्ट की बात चल रही है और आर्टिकल अगर आप देखोगे हाई कोर्ट के तो कहां से, है? 214 से हैं टू वन फोर से लेकर के टू थर्टी टू तक है ना तो हाई कोर्ट हैं आपके पास और स्थापना कब से हुई थी अठारह में से कोलकाता सबसे पहला था फिर बॉम्बे मद्रास आ गए सबसे बड़ा कौन सा है गुवाहाटी पच्चीसवा कौन सा है अमरावती सो so दोस्तों आपको मालूम है कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा शपथ कौन दिलाएगा ओथ तो ओथ जो देता है याद रखिएगा वो गवर्नर देता है लेकिन अपॉइंट कौन करता है राष्ट्रपति ठीक है अगला सवाल है कि द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल इज तो पूछा गया है कि मिट्टी में खनिजों के पुनः प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावी कृषि विधि कौन सी है तो कंटूर प्लगिंग है टेरेसिंग है क्रॉप रोटेशन है या फिर इसको हम लोग लो फ्यूरोइंग बोलते हैं तो इसमें से जो सही आंसर है कह रहे क्रॉप रोटेशन ठीक है तो याद रखिएगा ये क्रॉप रोटेशन इसका सही है अगला सवाल है कि जो प्रचन्न बेरोजगारी है आमतौर पर कैसी होती है तो ये अभी हमने पढ़ा है ना कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पर दिखाएंगे कि उन्होंने बहुत एहसान किए हैं लेकिन एक्चुअल में एहसान जो है वो आप जानते हो कि भगवान जानता है वो जीरो है सीजीआई को नियुक्त कौन करता है वो राष्ट्रपति ही करता है शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा लेकिन राज, जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनको नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और शपथ दिलाएगा गवर्नर दोस्तों ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर अभी हमने पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी मैनी ट्रांसप्लांटेड सेडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज तो पूछा गया है कई प्रतिरोपित अंकुर विकसित नहीं होते हैं क्योंकि पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर के सवाल नहीं आते हैं हमको एग्रीकल्चर के सवाल आना जरूरी है हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर भारत के बच्चों को एग्रीकल्चर पर सवाल नहीं आ रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत है दोस्तों बहुत जरूरी है <laughs> राजस्थान उत्तराखंड और बिहार की बात ही अलग है अभी उत्तराखंड में एक पेपर हुआ था पटवारी का है ना वो भी लीक हो गया बिहार तो बात ही अलग है है ना तो ये राजस्थान हो गया बिहार हो गया यूपी हो गया उत्तराखंड हो गया अगर पेपर इनमें सही तरीके से हो जाए तो आप ये समझिए कि बिल्कुल एकदम राज्य सरकारों ने रिकॉर्ड बना लिया है तो यहां पर बस चुनाव ही मजबूती से होती है सिक्योरिटी से बाकी सारी जो एग्जाम होते हैं उसमें तो ध्यान ही नहीं ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन थ्री इज राइट मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू ठीक है तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था विच ऑप्शन इज राइट तो इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट हाँ एम में पटवारी होने जा रहा है so, वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखें सावधान रहें हाँ पीसीएस भी लीक हो जाता है बिल्कुल पीसीएस तो को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्रिप्स मिशन दोस्तों ठीक है तो क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उन्नीस में तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा अगस्त ऑफर और उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत में आते हैं लेकिन फेल हो जाता है साइमन कमीशन आपने पढ़े हैं उन्नीस में वेवल प्लान आता है उन्नीस कब पैतालीस में और कैबिनेट मिशन भारत में आ जाता है 1946 में दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री सो विच ऑप्शन इज राइट हनी कुछ वहा ऐसा मत करिए पेपर आप मत लीक करिए बेटा ऑलरेडी लीक करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं आप बस मन लगा करके पढ़ाई करिए सो so दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है डीपीएसपी है ना फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट थर्ड में परिभाषित हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके फोर्थ ए में है ये आपके फोर्थ में है दोस्तों ठीक है सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो हमारा भारतीय संविधान जो ओरिजिनल लिखा गया है वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया फिर इंग्लिश से किस में ट्रांसलेट किया गया है दोस्तों हिंदी में तो ये पूछा गया है कि जो ओरिजिनल संविधान लिखा गया है वो किसने अपनी लैंग्वेज उसमें लिखा है ठीक है हस्तलिखित किसके द्वारा है तो याद रखिएगा ये है हमारे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर बहुत कितना छोटा और प्यारा सा नाम है प्रेम भी है बिहारी भी है नारायण भी है राय जादा भी है ठीक है अगला सवाल है कि हु हुज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे जेवी कृपलानी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जवाहरलाल नेहरू थे तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है सभी को मालूम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इज द राइट right आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट अनाउंस इट्स इट एक्सेशन टू पाकिस्तान इन बट वॉज लेटर फोर्स टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर द प्ले रिजल्ट दोस्तों तो दोस्तों होता क्या है कि जनमत संग्रह होता है तीन लोकेशन थे जो बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं एक आपने पढ़ा होगा जूनागढ़ है ना ये गुजरात वाला एरिया आपने एक पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर का है ना और एक पढ़ा होगा हैदराबाद तो इसमें से जो जूनागढ़ था ये बोलता था कि भाई साहब हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने बोला रुको इंतजार करो सब्र करो थोड़ा फिर उन्होंने जनता में करा दिया वोटिंग वोटिंग से पता चला कि जनता जाना चाहती है भारत के साथ राजा जाना चाहता था पाकिस्तान के साथ तो जनता की बात मानी गई और फाइनली इसको मिला दिया गया किसके साथ भारत के साथ ठीक है सो जूनागढ़ इज द राइट आंसर याद रखिएगा जूनागढ़ ऑप्शन सेकंड अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वन टाइम अ पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउ मैनी स्टेट सो दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा आर्टिकल वन तो एक ही समय पर एक गवर्नर को एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर नियुक्त कर सकता है दोस्तों ठीक है गवर्नर नियुक्त कर सकता है तो एक ही गवर्नर को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है पदभार दिया जा सकता है एक होगा दो होगा तीन होंगे या फिर मैक्सिमम नंबर फिक्स ही नहीं है तो अगर मैक्सिमम नंबर फिक्स नहीं है तो आप इसमें से किस में चले जाएंगे ऑप्शन फोर में अगला सवाल पूछा गया है हु ट्रांसलेटेड द बुक दैट इज अ लीलावती इन पर्सियन लैंग्वेज दोस्तों लीलावती आपने पढ़ी होगी कि यह लिखी गई है भास्कराचार के द्वारा ठीक है तो ये आखिरी सवाल है दोस्तों है ना दिस इज द आखिरी क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन भास्कराचार्य और ये मैथमेटिक्स की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और भारत की बहुत सारी किताबें हैं जो पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई क्योंकि अकबर को पसंद था कि ये जो है याद रखेगा ट्रांसलेट किया जाए पर्सियन भाषा में और बाकी सभी लोगों को भी ये भारतीय नॉलेज के बारे में पता चले और वो होते हैं कौन से दोस्तों अबुल फैजी ये फजल के ही भाई थे अबुल फजल के ही भाई थे है ना जिनके अंडर में हेड ऑफ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट याद रखिएगा हेड ऑफ आप लिखेंगे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट तो अकबर ने एक पूरी तरीके से अनुवाद विभाग बनाया ठीक है अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग बनाया गया और बहुत सारी चीजों को ट्रांसलेट किया गया आपने पढ़ा होगा कि महाभारत का भी ट्रांसलेशन किया गया था महाभारत ट्रांसलेट की गई थी रज्मनामा में है ना और उपनिषद ट्रांसफर किए गए थे सर ए अकबर में ठीक है सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है देयर इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर so, सो अमीर अबुल फज याद रखिएगा दैट वाज द ग्रेट स्कॉलर पर्सन इस पर्सन और वो साथ में शिक्षक भी था अकबर के तीन बेटों का दानियाल मुराद और किसका सलीम का ठीक है so, सो चलिए मित्रों ये था आज का सेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं कंक्लूड और uh, वैसे तो चलिए लगभग डेढ़ सौ सवाल पूरे हो चुके हैं ठीक है थीके? बस कुछ ही सवाल बच गए थे तो दस पंद्रह सवाल बचे हुए हैं ये अब हम लोग फिर बाद में कभी कर लेंगे ठीक है तो चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फीडबैक जरूर दिया करिए मैं देखता हूँ कि जब बच्चों के कमेंट नहीं आते कभी भी है ना तो यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि मालूम नहीं कि आप लोग कमेंट करके एटलीस्ट बता तो सकते हैं वीडियो के अंत में कि सेशन कैसा था अच्छा था नहीं था कुछ इम्प्रूवमेंट है ठीक है और बाकी दोस्तों आज है सिलेक्शन uh, की उड़ान सेल तो मकर संक्रांति के उपलक्ष में पूछा गया है कि यह पतंग नहीं कटेगी इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे तभी नहीं कटेगी है ना और मन लगा करके पढ़ते रहिए और यूज कर लीजिए कूपन कोड टू गेट द एडिशनल डिस्काउंट है ना और पीडीएफ मिल जाएगी कहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों और डिस्काउंट पाने के लिए इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों और अभी हम लोग मिलने वाले हैं याद रखिएगा अभी आपका सेशन होगा इलेवन थर्टी पर तो आप मास्टर क्लास में जुड़ सकते हैं आज 11:30 थर्टी एम पर और एक याद रखिएगा फाइव पी एम पर वाई टी सेशन है तो वहां पे भी मिलते हैं और 11:30 थर्टी पर मिल जाते हैं हम लोग आपके किस में मास्टर क्लास में ठीक है चलिए गाइज सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंड यस वन सेकेंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की दुआ में याद रखिएगा थैंक यू सो मच